गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत खतरनाक चैप्टर। ये देख रहे हो 14 नंबर चैप्टर TDS। नाउ लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं इसमें थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूं तो ये सबसे सबसे हार्ड तगड़ा चैप्टर है। पहले इन सबसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट आजकल इन सब का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया एग्ज़ाम में। वो इनसे उठा उठा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। TDS से इन द रिसेंट पेपर 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, 7 मार्क का। जस्ट इमेजिन, TDS क्या प्योर थ्योरी है? नहीं, ऑब्वियसली अगर मैं टैक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो बिना नंबर्स के तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर में भी नंबर्स हैं, सम्स हैं, पर छोटे सम्स हैं, मतलब कोई मोटा सम्स या लंबा कैलकुलेशन नहीं आएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन ही आएगा। तो छोटे छोटे सम्स तो इससे बनते हैं पर लंबे सम्स नहीं बनते। चैप्टर बहुत इंटेंस है, तुमको साइज देखो उसका 72 पेजेस। नाउ कैसे इसको याद रखें, है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए, इसको याद कैसे रखें? इसके लिए मैंने 2 पेज का मास्टर समरी चार्ट बनाया, जो लास्ट में, ये देखो लास्ट में TDS, मतलब बुक को एकदम सीधा उल्टा करो और पेज खोलो, बुक को सीधा उल्टा करो और लास्ट में देखो 2 पेज में यही मिलेगा। मतलब सबको 2 पेज का होगा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड, ठीक है? तो 2 पेज का TDS मास्टर समरी चार्ट दिख रहा है बैक टू बैक। नाउ द TDS मास्टर समरी चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवीजन, पर तुम ये नहीं कर पाओगे कि बिना TDS चैप्टर पढ़े सिर्फ वो समरी चार्ट को पढ़ के चले जाओ, वो सर के ऊपर से चला जाएगा समरी चार्ट। समरी चार्ट भी उसी को समझ में आएगा जिसको TDS पूरा चैप्टर समझ में आता है। प्लस एक और भी बात है, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ एक अनोखा ज्ञान होता है जो समरी में कैप्चर नहीं हो पाता, और उस अनोखे ज्ञान से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो किस तरह के आते हैं, सम्स कैसे आते हैं, वो भी तो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, वो तो समरी चार्ट में दिख नहीं रहा है, तो वो तो चैप्टर के अंदर ही मिलेगा। तो ये जो 72 पेज का तुम नोट्स देख रहे हो TDS का, इट कंटेन्स एवरीथिंग, इसमें सब कुछ है। चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल, पूरा सेक्शन चार्ट थियरी सब कुछ है, समरी भी है। जो समरी यहाँ पर तुमको दिख रहा है वो समरी सेक्शन बाय सेक्शन अंदर भी है। सम्स और क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में आते हैं वो भी इसके अंदर पूरा बिल्ड किया हुआ है, ठीक है? बड़ा चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, पढ़ने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। एक अच्छी बात ये हुई थी कि इस बार एग्जाम्स के दौरान मैंने 3 सब्जेक्ट्स जो मेरे हैं, लॉ, टैक्स और ऑडिट, उनका मैराथन कंडक्ट किया था। तो टैक्स में मैंने 2 दिन तक लगाकर मेहनत कर TDS का पूरा एक मास्टर रिवीजन कंडक्ट किया था फॉर 2 आवर्स, ठीक है? मतलब 2 घंटे का है और फुल TDS का रिवीजन है। अब जो चीज़ मैं तुमको क्लास में या 10 घंटे में पढ़ाऊंगा वो वहाँ 2 घंटे में कवर्ड है। तो ऑब्वियसली बात है इसका और उसका कोई कंपेरिजन तो नहीं है, पर फ़ायदा ये है कि जब कभी तुमको लगेगा कि TDS चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तुमको याद नहीं हो रहा है, तुम सिंपल वो मैराथन खोल के देख सकते हो, तो तुमको रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैंने 2 तरीके से रिवीजन कराया है, लॉन्ग रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। लॉन्ग रिवीजन मतलब अंदर की भी बहुत सारी बातें बताई है डिटेल में, और ये शॉर्ट वाला जो रिवीजन है ये भी कराया, दोनों एक साथ कराया, 2 आवर्स का लेक्चर है, ओके? फिलहाल यहाँ पर आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ TDS, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS। अंदर मूव ऑन करने के पहले एक आइडिया देता हूँ, एक रूपरेखा देखता हूँ, तुम लोग को ध्यान से सुनना। फॉर एन इंटरमीडिएट का स्टूडेंट लाइक यू, तुम्हारे सिलेबस में कौन सा असेसी डोमिनेट कर रहा है? इंडिविजुअल HUF, सच बात है। लेकिन कारोबार जो होता है, बिजनेस PGBP, मैक्सिमम जो कारोबार होते हैं वो इंडिविजुअल HUF के नाम पे होते हैं कि कंपनीज के नाम पे होते हैं? कंपनीज। इनफैक्ट मैं भी आज जो ये बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं कोचिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मेरे इंडिविजुअल नाम पे है कि एक फर्म के नाम पे है? फर्म के नाम पे। छोटे लेवल पे जब आप बिजनेस करते हो तो आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप नाम पे कर लेते हो, और HUF तो बस ऐसे ही होता है दिखाने का, वो 5 लाख का एग्जेम्पशन लेने का और कुछ नहीं। पर जो भी बड़ा कारोबार होगा वो इंडिविजुअल HUF के नाम पे सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट में नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में होगा? द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट इज नंबर 1 कंपनी,
एंड नंबर टू सेकंड में आएगा एलएलपी फर्म, बहुत नीचे, पर नंबर वन क्या है? कंपनी। मैक्सिमम जितने भी कारोबार हो रहे हैं हिंदुस्तान में वो किस एसएससी के नाम पे हो रहे हैं? कंपनी एसएससी के नाम पे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का जो फ्लेवर है, जो तुम आज तक पढ़ते आए हो, उससे काफ़ी अलग है। आज तक हमारा जो फ्लेवर रहा है वो कैसा रहता है? इंडिविजुअल एचएफ, इंडिविजुअल एचएफ। अब वो फ्लेवर नहीं है, आर यू ओके? यहाँ पे एसएससी बेसिकली एक बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज है, और ज़्यादातर चांस है कि वो कॉरपोरेट है। व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड कॉरपोरेट, आई मीन बोथ कंपनी, फर्म, एटसेट्रा, ठीक है। सो योर एसएससी इज बेसिकली अ कॉरपोरेट जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सोचो, कॉर्पोरेट्स जब पेमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट्स तो पेमेंट करेंगे। आज अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में केवल क्या रिसिट्स होता है? पेमेंट नहीं होता, रिसिट्स होता है तो पेमेंट भी तो होता है, बिकॉज सेल्स के अगेंस्ट सो मेनी डिफरेंट एक्सपेंसेस आर देयर विच यू हैव टू पे फॉर। आपको माल परचेज करना पड़ता है तो परचेज इज अ ह्यूज कॉस्ट। आपको अपने एम्प्लॉय लोग को सैलरी देनी पड़ती है, एम्प्लॉय कॉस्ट अगेन इज अ ह्यूज कॉस्ट। आपके जो बिजनेस प्रमाइसेस होते हैं वो ओन्ड या रेंटेड हो सकते हैं, तो रेंटेड है तो रेंट का पेमेंट, दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का आपको पेमेंट करना पड़ता है, अगेन दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट। ऐसे करके बहुत सारे बिजनेस में सैकड़ों प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। नाउ जो मेरे लिए, अभी मैं कौन हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कॉरपोरेट हूँ, ठीक है। माय नेम इज एक्स लिमिटेड। अब यहाँ पर इस चैप्टर में मेरे को जब मैं बोलूँ मैं, तो मैं मतलब मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, आई एम नॉट इंडिविजुअल सिद्धार्थ, आई एम एक्स लिमिटेड, आई एम अ कॉरपोरेट एसएससी, ओके, आई एम डूइंग बिजनेस कॉरपोरेट एसएससी। तो मेरे लिए जो एक्सपेंडिचर है, दूसरों के लिए तो वो इनकम हुआ ना। मैं अगर किसी सप्लायर को रॉ मटेरियल का पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए परचेज एक्सपेंडिचर, पर अगले के लिए तो इनकम है, सेल है, समझ रहे हो कि नहीं? मैं अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर, पर मेरे एम्प्लॉय के लिए तो वो इनकम है। अब सरकार उन सबसे जाके इनकम टैक्स मांगेगी कि नहीं मांगेगी? मांगेगी इनकम टैक्स। सरकार उनसे इनकम टैक्स मांगने के बजाय मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल देता है कि यू आर द पेयर, दे आर द पे, यू आर मेकिंग पेमेंट, सो व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट एट द सेम टाइम यू डिडक्ट टीडीएस। उनके हिस्से का जो उनको इनकम टैक्स देना चाहिए, उनकी ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन मुझ पर शिफ्ट कर दी कि इनको जब आप पैसा दो तो टैक्स काट के देना, और वो टैक्स आप सरकार के खाते में जमा कर देना अगेंस्ट देयर पैन नंबर। तो सपोज आई एम द पेयर, आई एम द कॉर्पोरेट, आई एम द पेयर एंड यू आर सप्लायर फॉर मी, और तुम कौन हो? पे ही हो। पे ही मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो व्हेन आई एम मेकिंग पेमेंट टू यू एट दैट टाइम आई विल गिव यू लेस पेमेंट। सपोज हमको 100 रुपया देना है तो हम तुमको 90 रुपया देगा और हम 10 रुपया काट लेगा। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और 10 रुपया काट के ना हम क्या करेगा, तुम्हारे नाम के अगेंस्ट, तुम्हारे पैन नंबर के अगेंस्ट हम जमा कर देगा सरकार में। तो तुम अपने ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है, सब लिखा हुआ खाली बस सुनना हाँ, एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है ट्रेसेस। क्या बोला मैंने? ट्रेसेस, TDS, TCS, रिकन्सिलिएशन सिस्टम, ठीक है। तो वो वेबसाइट, वो सरकार के कंट्रोल में है, फॉर्म नंबर 26AS, तुम जाओगे अपना पैन नंबर डिटेल डालोगे और डाउनलोड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि साल भर में किसने किसने तुमको पेमेंट करते हो, कितना TDS काटा है और जमा किया है, और वो सब तुम्हारे नाम पे है। तो मतलब तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं आज अगर तुमको 100 रुपया देने के बजाय 90 रुपया दे रहा हूँ और 10 रुपया वहाँ दे रहा हूँ, तो वो 10 रुपया भी मेरे नाम पे नहीं है, वो किसके खाते में? तुम्हारे में ही है। तुम भी तो सरकार को टैक्स देते ना, तो तुम्हारे नाम पे टैक्स वो मैंने दे दिया, तो वो 10 रुपया भी तुम्हारा ही है या 90 रुपया भी तुम्हारा ही है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना? एक बार अकाउंट्स की बात कर लें थोड़ा। सपोज आई हैव मेड पेमेंट टू यू 90 रुपया और तुम्हारे नाम का 10 रुपया TDS काट दिया। मैंने तुमसे गुड्स खरीदा है, मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीस, ग्रॉस परचेज तो 100 रुपये का, परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, टू बैंक अकाउंट 90 रुपया, टू TDS पेएबल 10 रुपया, टू TDS पेएबल 10 रुपया। आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है। और जब मैं वो TDS पे कर दूंगा तो एंट्री होगा TDS पेएबल डेबिट टू बैंक 10 रुपया। TDS अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है, मतलब इस महीने अगर मैं तुम्हारा TDS काट रहा हूँ तो मेरे को कब जमा करना है? वो अगले महीने की 7 तारीख तक। आर यू ओके विद दिस? तो जैसे जब मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ 90 रुपीस, तो गुड्स परचेज तो 100 का है, मेरा जनरल एंट्री का परचेजेस डेबिट, मैं बोल रहा हूँ ना, लिखने का जरूरत नहीं है ना, इमेजिन हो रहा है। तो परचेजेस डेबिट 100 रुपीस, टू बैंक 90 रुपीस, टू TDS पेबल 10 रुपीस, और अगले महीने की 7 तारीख तक जब मैं सारा TDS जमा करता हूँ सबका, अलग अलग लोगों का, तो मैं उसमें एंट्री मारूंगा TDS पेबल डेबिट 10 रुपया,
टू बैंक अकाउंट 10 रुपया, गया मेरा, मेरी तरफ से 100 रुपया निकल गया बाहर, ठीक है। तुम्हारा एंट्री क्या होगा, जब तुमको 90 रुपया मिला तो तुम जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच 90 रुपीज, और मैंने तुम्हारे नाम का जो 10 रुपया TDS जमा किया तुम्हारे लिए वो एसेट है कि नहीं है, तुम्हारे लिए वो एसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो तुम एंट्री क्या मारोगे, तुम एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, TDS डेबिट 10 रुपीज, टू सेल्स 100 रुपीज, तुम्हारे तो 100 रुपये का सेल हुआ है, 90 रुपया आया और 10 रुपया तुम्हारे नाम का TDS जमा हो गया, ये जो 10 रुपया TDS डेबिट है ये तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं है, ये एसेट है। जब साल के एंड में तुम्हारा असेसमेंट तुम करोगे, रिटर्न जमा करोगे और अपना तितली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब तुमने कर लिया तितली, चैप्टर 9 कर लिया हमने, तो तुम अपना तितली कैलकुलेट करोगे अगले साल, तो तितली में जब तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें से लिख दोगे लेस TDS डिडक्टेड ऑलरेडी, तो तुम्हारा को तो डिडक्ट हो गया, तुमको पे नहीं करना पड़ेगा नहीं, तो तुम्हारा जो भी कम अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट आएगा, अगर मान लो नील आ गया तो ना देना है ना लेना है। अगर मान लो टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी 5 लाख है और TDS कटा है 4 लाख, तो नेट नेट 1 लाख तुमको पेबल है, पे करना है। उल्टा सोच लो, तुम्हारा तितली निकल के आ रहा है, टैक्स लायबिलिटी आ रहा है सपोज 5 लाख रुपये और तुम्हारे नाम का TDS ऑलरेडी कट गया 6 लाख, तो 1 लाख रुपया नेगेटिव आ रहा है, वो क्या होगा, रिफंड है, वो रिफंड मिल जाएगा आपको। तो आपको चिंता नहीं करना है, वो जो आपके नाम का 10 रुपया मैंने जमा किया है वो अल्टीमेटली आप ही को मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर तुम्हारी नेट लायबिलिटी आ रही है तो तुम एक्स्ट्रा पे करोगे, अगर शॉर्टेज आ रहा है तो बल्कि सरकार वापस रिफंड दे देगी। तो यानी कि मान लो मैं तुम्हारे नाम का TDS जमा कर दिया, तुम्हारे नाम के अगेंस्ट, तुमने साल के एंड में अपना जब कैलकुलेशन किया तुम्हारा तितली 0 आया, मतलब टैक्स लायबिलिटी नील, लेट्स से कि योर टोटल इनकम इज 5 लाख के अंदर, तो रिबेट उबेट लेके तुम्हारी वो टैक्स लायबिलिटी आएगी नील। तो अब टैक्स लायबिलिटी नील लेस TDS ऑलरेडी डिडक्टेड, वो जितना भी TDS है वो लेस करोगे तो नेगेटिव आएगा, वो सरकार रिफंड दे देगी। तो 10 रुपया तब नहीं तो अब मिल जाएगा, पर मिल जाएगा। आर यू ओके विद दिस? पंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कहानी तुम्हारे बारे में नहीं है, कहानी मेरे बारे में। इट्स नॉट अबाउट द पे, इट्स ऑल अबाउट द पेयर। TDS काटने का ऑब्लिगेशन किसके मत्थे पे है, तुम्हारे कि मेरे? मेरे। मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना तो मैं TDS काटूंगा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ मैं TDS काटूंगा। तो TDS का ऑब्लिगेशन ना पे ही पे नहीं होता, किस पे होता है? पेयर पे होता है। तो इस चैप्टर में तुम अपने आप को पेयर मानोगे, कॉर्पोरेट असेसी मानोगे, जो बिजनेस कर रहा है और पेमेंट्स करते हो तो क्या कर रहा है? TDS काट काट के पेमेंट कर रहा है। आर यू ओके विद दिस? इतना ज्ञान समझ में आया? अगर मैं ये TDS नहीं काटूंगा तो मेरा मतलब नुकसान हो जाएगा। एक तो मुझे, अगर मैं TDS नहीं काटूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा, पर उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, जो एक्सपेंडिचर मैंने किया है तुमको पेमेंट करने का विदाउट TDS, उसका मेरे को मेरे PGBP कैलकुलेशन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40 क्लॉज ए, 40 सेक्शन नंबर 40 PGBP सेक्शन 40 क्लॉज ए, पेमेंट मेड टू अ नॉन रेजिडेंट 100% इज अलाउड, पेमेंट मेड टू अ रेजिडेंट विदाउट डिडक्टिंग TDS 30% इज अलाउड। तो अगर मैं TDS नहीं काटूँ तो वो लोग मेरे को एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे PGBP में, समझ रहे हो? ऊपर से इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से मेरे पे इम्पोज कर दिया जाएगा। तो TDS का मेन ऑब्लिगेशन मेरे माथे पे, पेयर के माथे पे। इतना पहले क्लियर है? अच्छा, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। जो कहानी मैंने तुमको बताई उसके आधार पर तुमको ऐसा एक ऑटोमेटिक दिमाग में अजम्पशन आ गया होगा कि सर TDS तभी काटते हैं जब बिजनेस पर्पस के लिए कुछ करते हैं, यही एक दिमाग में आ रहा होगा, यानी पर्सनल पर्पस के लिए TDS नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं एक फ़ोन खरीदने गया बाजार में, पर्सनल मैं एक फ़ोन खरीदने गया 1 लाख रुपए का, एप्पल उप्पल का फ़ोन खरीदने गया, तो वहाँ पे मेरे को 10% TDS काट के देना नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ कि पर्सनल पर्पस? पर्सनल। तो एक बात मोटे तौर पर समझ लो, 99% जो TDS काटा जाता है वो बिजनेस पर्पस में ही होता है, पर पर्सनल पर्पस में भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे TDS कटता है। तो 1% चांस है, ठीक है, 99% टाइम्स जब TDS कटता है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है, और 1% टाइम जब TDS कटता है वो पर्सनल पर्पस के लिए होता है। आर यू ओके विद दिस? पर्सनल पर्पस के भी कुछ केसेस हैं, तो ऐसा नहीं कि पर्सनल पर्पस में एकदम नहीं होता, पर्सनल पर्पस में भी TDS काटा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ तक सबको क्लियर? नेक्स्ट, मेरी एज अ पेयर जब मैं पे करता हूँ तो मेरी 4 ऑब्लिगेशंस है, 4 ड्यूटीज है। 1, डिडक्ट TDS। 2, डिपॉजिट TDS बाय द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 3, फाइल TDS रिटर्न। फाइल
टीडीएस रिटर्न, तो हम लोग को उन्हें क्या है ना क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न जमा करना पड़ता है सरकार के पास कि मैंने इतने सारे लोगों का टीडीएस काटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट, मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा ना, मैं तुमको एक सर्टिफिकेट इशू करूंगा, टीडीएस सर्टिफिकेट कि मैंने आपका टीडीएस काटा है, इस बात का मैं एक सर्टिफिकेट तुमको दूंगा, वो फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म 16A होगा, ओके। सो मैं फिर से बोल देता हूँ, एज अ पेयर मेरी चार ड्यूटीज है, नंबर वन डिडक्ट टीडीएस, नंबर टू डिपॉजिट टीडीएस विद द गवर्नमेंट, नंबर थ्री फाइल टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न वगैरह जमा करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 31 में साल भर का जो टीडीएस रिटर्न होता है ना वो 31 में को जाता है एनुअल, तो अभी डेडलाइन आने वाला है, ओके, तो टीडीएस रिटर्न जमा करना। एंड फोर्थ, मैंने आपका टीडीएस काटा है, मैं आपको इसके लिए एक प्रमाण पत्र एक सर्टिफिकेट दूंगा, टीडीएस सर्टिफिकेट कि मैंने आपका टीडीएस काटा है, आर यू ओके विद दिस, ठीक है। जब तुम नौकरी पे जाओगे, जॉब करोगे ना एक दिन, जॉब जाके हर इंसान ने किया है, तुम भी करोगे, तो तुम्हारे साल भर तक हर महीने जब तुमको तनख्वाह मिलेगी तो टीडीएस कटता रहेगा, कट 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 कट, तुम्हारा जो भी एम्प्लॉयर होगा वो टीडीएस काट के तुमको देगा पैसा, तुम्हारे हाथ पे जो सैलरी आएगा वो कम आएगा, वो फुल पैकेज नहीं आएगा, वो टीडीएस कट के आएगा, और तुम्हारे नाम का टैक्स जमा हो रहा है। अब साल खत्म होने के बाद तुमको वो लोग एक फॉर्म देंगे, फॉर्म 16, ठीक है, दैट इज़ योर टीडीएस सर्टिफिकेट, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज सब ऑनलाइन है, तो वो मेरे को सर्टिफिकेट दे या ना दे वो अपने आप ही मेरे ट्रेसेस वेबसाइट में दिख जाएगा। ट्रेसेस वेबसाइट में ना तुम फॉर्म 26A खोलोगे ना वहाँ दिख जाता है कि मेरा इतना इतना लोगों ने यहाँ यहाँ टीडीएस काटा, इनकम इतना है, तो वो सर्टिफिकेट दे या नहीं दे जरूरी नहीं, पर नियम है देने का तो वो लोग देंगे, तो वो लोग तुमको ईमेल पे, तुम्हारा जो बॉस है जो जॉब जहाँ करोगे वो तुमको ईमेल पे फॉर्म 16 देगा कि तुम्हारे नाम का साल भर में इतना टीडीएस कटा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा। अब तुम जब अपना रिटर्न जमा करोगे, तुम अपना तितली कैलकुलेट करोगे, अब अगर उसमें जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसमें से सारा टीडीएस माइनस कर दोगे, पॉजिटिव आ रहा है पे द डिफरेंस, नेगेटिव आ रहा है यू विल गेट द रिफंड, सीन क्लियर है। मैंने जो अपनी चार ड्यूटीज बोली वो क्लियर है क्या? नंबर वन डिडक्ट, नंबर टू डिपॉजिट, नंबर थ्री फाइल रिटर्न ऑफ टीडीएस, एंड नंबर फोर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू द पेई, आर यू ओके विद दिस, यहाँ तक सब सही है। अच्छा, अब सरकार को ना समय ही नहीं है, मतलब मेरे पास का कोई प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं है, मारवाड़ी में बोलते समय ही नहीं, मतलब धैर्य नहीं है, धैर्य भी सही वर्ड नहीं है, धैर्य मतलब पेशेंस होता है, मतलब एकदम जब अपनी पहली क्लास हुई थी इनकम टैक्स की तब मैंने इंट्रोडक्शन बोला था कि ये एक झूठी बात होती है जो पढ़ाई जाती है स्टूडेंट लोग को कि हम कमाते प्रीवियस ईयर में और टैक्स देते असेसमेंट ईयर में, मैंने फर्स्ट डे बोल दिया था ये झूठ है, हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देते हैं, जो प्रीवियस ईयर के दौरान ही सरकार आपसे टैक्स देती है ना वो दो तरीकों से होता है, या तो एडवांस टैक्स या टीडीएस। अब जैसे मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो फीस मिल रही है स्टूडेंट से क्या वो टीडीएस काट के मिल रही है? नहीं, तो मुझे एडवांस टैक्स देना पड़ता है, तो मेरा टीडीएस नहीं कटता पर मुझे क्या देना पड़ता है? एडवांस टैक्स, मुझे क्वार्टरली सरकार के पास अपने एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तुम नौकरी करने के लिए जाओगे तुम्हारा टीडीएस कटेगा, तो यार हर इंसान जब कमाता है प्रीवियस ईयर में वो उसी दौरान टैक्स भी दे देता है, चाहे एडवांस टैक्स बोल के दे चाहे टीडीएस बोल के, पर सरकार बीच में ही ले लेती, सरकार को समाई नहीं है। साल खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर आता है, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे नहीं करते, आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, यू डोंट पे टैक्स, यू कैलकुलेट योर तितली। असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या है? तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असेसमेंट, मैंने बोला था अभी दो क्लास में रिटर्न फाइलिंग में, कैलकुलेशन ऑफ तितली, कैलकुलेशन ऑफ तितली को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, समझ रहे हो कि नहीं? तो असेसमेंट ईयर में तो बस आप अपना कैलकुलेशन करते हो और जो भी आपका नेट बच गया वो आप देना है या लेना है, बस यही है। अल्टीमेटली सरकार आपसे टैक्स प्रीवियस ईयर के दौरान ले लेती है, आर यू ओके विद दिस? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज सुनो, नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि जब पेमेंट करेंगे तब टीडीएस काटेंगे, आई एम द पेयर यू आर द पेई, जब मैं पेमेंट करूंगा तब टीडीएस काटूंगा। मैक्सिमम केसेस में सरकार को यहां भी समाई नहीं है, मैक्सिमम केसेस में यहां भी सरकार को समाई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने तुमसे माल खरीदा है, तुम मेरे सप्लायर हो, मैंने तुमसे माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज है, क्या है? क्रेडिट परचेज है, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, सपोज एक नाम लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश,
सरकार बोलती है कि TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट अर्लियर ऑफ दीज टू इवेंट्स, अर्लियर ऑफ दीज टू इवेंट्स. नंबर वन, क्रेडिटिंग द नेम ऑफ द पार्टी इन द बुक्स और एट द टाइम ऑफ पेमेंट. तो मैं अगर तुमको पेमेंट बाद में करूंगा पर तुम्हारा नाम मैंने अपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया, तो अर्लियर ऑफ द टू क्या है? क्रेडिटिंग द बुक्स. तो जैसे मैं बुक्स में क्रेडिट करूंगा मेरे को TDS काटना पड़ेगा. तो मतलब इनफैक्ट जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा तो मेरा एंट्री ऐसा होगा, परचेज अकाउंटेबल 100 रुपया, टू रमेश 90 रुपया, टू TDS पेबल 10 रुपया. समझ रहे हो? क्या ये एंट्री सिखाया जाता है अकाउंट्स में हम लोगों को? कभी नहीं सिखाया जाता, ना 11 में ना फाइनल में, फाइनल तक नहीं. और जिस दिन दुनिया में जाके अकाउंट्स करोगे देखोगे इस तरह का एंट्री और दिमाग चकरा आ जाएगा ये क्या हो रहा है. क्योंकि रियल वर्ल्ड का जो अकाउंट्स हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं वो पूरा टैक्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है. हर जगह वहाँ मुंह खोलो बीच में घुस जाएगा कुछ ना कुछ टैक्स का. प्लस रियल वर्ल्ड में जो तुम सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट्स करते हो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल अकाउंट्स जो तुम सीखते हो. जिसको हम बोलते हैं ना अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल पेपर है. एक आम आदमी के पास जाओगे ना जो प्रैक्टिस करता है वो बोलता है वो जो तुम पढ़ रहे हो ना वो थ्योरी है, प्रैक्टिस में चीज़ें पूरी अलग हो जाती हैं. जैसे अभी तुम लोग इंटर का काफ़ी अकाउंट्स कर चुके होगे, एटलीस्ट वन वाला तो मोटा मोटी हो रहा होगा. तुम अभी नरेशन लिखना छोड़ दियो ना, 11 में याद है जर्नल एंट्री पहली बार जीवन में सिखाया था, हमेशा नीचे नरेशन लिखते थे बींग फलाना ढिमका. अब तुम बड़े हो गए तुमने नरेशन छोड़ दिया, रियल लाइफ में जब जाके तुम एंट्री मारोगे तुमको इतना लंबा लंबा नरेशन लिखना पड़ता है. बिकॉज ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स होते हैं हमको वो पूरा रिकॉर्डेड चाहिए. तो वो एंट्री में तो आएगा नहीं, एंट्री में तो खाली क्या आएगा परचेज टू रमेश. और हमको तो पूरा डिटेल चाहिए ना भाई कि कौन सा माल परचेज किया था. ये आएगा एंट्री में क्या? डेबिट क्रेडिट जो जर्नल एंट्री होता है क्या उसमें टाइप ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम यू आएगा? इनवॉइस नंबर आएगा क्या? इनवॉइस नंबर आएगा, GRN नंबर, PO नंबर, ये सब डिटेल्स आएंगे क्या? पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से हुआ था कि नॉर्मल चेक से हुआ था कि नेट बैंकिंग हुआ था कि ECS हुआ था, ये आएगा क्या? तो एंट्री में सब नहीं आता, ये सब नरेशन में भर भर के लिखना पड़ता है अपने को. और नरेशन ऐसा है ना सर, यू राइट योर ओन लैंग्वेज. नरेशन का पर्पस है टू कैप्चर ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, नॉट टू स्टार्ट विद बींग ह्यूमन. जैसे हमको सिखाया जाता है 11 में नरेशन बींग समथिंग समथिंग, वैसा नहीं होता. जस्ट यू लिख दे कि ये सौदा हुआ था ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा डिटेल्स है. अरे वेटिंग पॉइंट. तो बॉस प्रैक्टिकल अकाउंट जो है ना बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द थियरी दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, बहुत डिफरेंट है. समझ में आ रही बात? ओके. नाउ TDS का एक मोटा मोटा ज्ञान क्या है कि सर TDS पेयर काटता है पेई को पेमेंट करते वक्त. कब काटता है सर? मैक्सिमम केसेस में अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स. द अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स मींस व्हेन आई हैव क्रेडिटेड योर नेम इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स और व्हेन आई हैव मेड द पेमेंट टू यू विच एवर इज अर्लियर. चांसेस किसका ज्यादा है? अर्लियर कौन सा होगा, पेमेंट होगा कि क्रेडिटेड होगा? भाई पहले तो क्रेडिटेड ही होगा, क्योंकि पेमेंट कर दूंगा फिर काय का क्रेडिट करूंगा मैं तुमको. अगर मैं पेमेंट ही कर दिया देन वाई विल आई क्रेडिट योर नेम इन माई बुक्स? तो अर्लियर तो क्रेडिट ही होगा कि जैसे मैं तुम्हारे नाम का एंट्री डाल दूं. इसका प्रूफ चाहिए तुमको? आई विल गिव यू प्रूफ, सॉलिड प्रूफ. मैंने बैंक में FD कर रखी है, ठीक है. एक बार मैं एक फिगर बोल रहा हूँ मन से, 10 लाख रुपए का FD है. मैंने बैंक में 10 लाख रुपए का FD कर रखा है, 5 साल का FD है. कितने का FD है? FD समझ, फिक्स डिपॉजिट, 5 साल का FD है. अब एक बात बताओ, FD में ब्याज क्या मुझे हर साल मिलता है कि सीधा मैच्योरिटी पे मिलेगा? ये बात पता है कि नहीं पता? ये बात पता है तो कि FD पे ब्याज मुझे आज हर साल मिलने वाला नहीं है, वो मुझे कब मिलेगा सर? मैच्योरिटी पे. लेकिन वो जो भी इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो डिवाइड तो 5 साल में होता है. हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा कि अलग अलग होता है? अलग अलग क्यों होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, ग्रो करते रहता है, करेक्ट. तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कम होगा, सेकेंड ईयर का ज़्यादा होगा, थर्ड ईयर का ज़्यादा होगा, फोर्थ का ज़्यादा, फिफ्थ का और ज़्यादा होगा. बिकॉज द इंटरेस्ट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड. द इंटरेस्ट दे आर नॉट पेइंग मी, दैट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड, ठीक है ना. तो वो बढ़ते जाता है इंटरेस्ट. अब सुनो, मुझे तो वो इंटरेस्ट देते नहीं, पर अपने बुक्स में बैंक वाला, जैसे मैंने ICICI बैंक में 10 लाख का FD कर दिया, तो हर साल वो लोग मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. मुझे देंगे तो है नहीं, देंगे तो कब? मैच्योरिटी पे. पर वो लोग मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना, तो इन्होंने तो नियम बना दिया क्रेडिट द अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. एंड अर्लियर क्या? क्रेडिटेड द अकाउंट. तो मेरे नाम पे तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो उस पर वो लोग TDS काट के जमा कर देते हैं. हर साल मेरा इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करते हैं और उस पर जो TDS होता है वो लोग सरकार में जमा कर देते हैं, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में ऐड करके री इन्वेस्ट कर देते हैं. हर साल ये होता है. मेरे हाथ में इंटरेस्ट नहीं आया पर मेरा TDS तो कट गया. सर आपको पता कैसे चलता है? ट्रेसेस वेबसाइट.
अबे मेरा भी तो टीडीएस कटता ही होगा, कोई ना कोई तो मेरा भी टीडीएस काटता ही होगा। तो मैं अपना ट्रेसेस वेबसाइट खोलता हूँ, फॉर्म 26AS, उसमें दिख जाता है कि इतने इतने बैंक्स में मेरा यही इन्वेस्टमेंट है, फलाना ढिमका है, उन्होंने इतना इंटरेस्ट डाला है और इतना टीडीएस काटा है। सो अब सुनो ध्यान से, मैंने अपना ट्रेसेस डाउनलोड किया, ठीक है, कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे सो मच इनकम इज देयर एंड उस पर टीडीएस इतना इतना कटा है। क्या वो इनकम जो इंटरेस्ट इनकम बैंक से मुझे दिख रहा है जबकि हाथ में मिला नहीं है, पर बैंक ने तो इंटरेस्ट अक्रू करा दिया, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है और वो जो टीडीएस काटा है, तो मेरे को बताओ क्या मैं उसके ऊपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री मारूंगा कि नहीं मारूंगा? इतना सन्नाटा क्यों? मतलब इजी पूछा है मैंने, मतलब अरे मैं थोड़ा सा पूछ लूँगा तो इसका मतलब बांस ही होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं इजी तो पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे नाम पे ट्रेसेस वेबसाइट में दिख रहा है कि मेरा इतना इतना इंटरेस्ट इनकम अक्रू हुआ है और मेरा इतना इतना टीडीएस कटा है, और मैं तुमसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ यार कि इस बात का, इस इनकम का, ये इनकम है ना मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम, क्या इसके लिए मैं बुक्स में अपने एंट्री डालूंगा कि नहीं डालूंगा? डालूंगा एंट्री, इसमें इतना क्या मतलब सन्नाटा था। मेरा इनकम हुआ है ना अक्रूअल बेसिस पे, इसे हुआ है ना, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा IFRS इनकम, इट विल गो इन माई रिटर्न, मेरे रिटर्न में जाएगा, मेरे अकाउंट्स में भी जाएगा, मेरे टैक्स कैलकुलेशन में भी आएगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आएगा और मेरे तितली में भी आएगा। मेरा IFRS इनकम इतना, उस पर TDS इतना कटा है। आर यू ओके विद दिस? समझ रहे हो? अभी ये मैंने तुमको पूरा चैप्टर का चटनी एक बार में पकड़ा दिया है, ठीक है। ये बातें जो तुम खुदरा खुदरा करके सीखते हो, जो दिमाग से उड़ जाता है, एक साथ में बता दिया है। अंदर तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इन राइटिंग। नाउ ये चैप्टर ना थोड़ा थोड़ा GST जैसा है, इसका जो स्वाद है ना इस चैप्टर का, वो GST जैसा है। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे जब तुम GST पढ़ते हो तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड ट्रांजेक्शन गोइंग ऑन। कोचिंग सेंटर इज वन टाइप ऑफ बिजनेस, बट देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन आवर इकोनॉमी। There are hundreds and thousands of transactions in the economy. तो GST में क्या होता है ना, हर एक को स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है कि बिल्डर और रियल एस्टेट वाला केस में ऐसे होगा, गुड्स कैरिज के ट्रांसपोर्ट में ऐसे होगा, होटल बिजनेस में ऐसे होगा, ये बिजनेस में ऐसे होगा। तो GST क्या होता है, ट्रांजेक्शन वाइज पढ़ना पड़ता है कि अगर इकोनॉमी में ये रहे आपके, मान लीजिए 10,000 तरह के ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें से 1,000 तरह के हमारे सिलेबस में होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। कुछ जनरल भी होते हैं पर बहुत सारे स्पेसिफिक भी होते हैं। ये चैप्टर वैसा ही है, मतलब मैं जिन जिन को पेमेंट्स करता हूँ उसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तुम अगर रेंट पे कर रहे हो सिद्धार्थ, तो रेंट पे TDS काटोगे इस सेक्शन में। तुम अगर किसी दलाल को ब्रोकरेज कमीशन दे रहे हो, तुम TDS काटोगे इस सेक्शन में। और अलग नियम है, सेम नियम नहीं है, रेट ऑफ TDS अलग होगा, पेमेंट का टाइम अलग होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तुम अगर ये बुक्स के लिए पेमेंट कर रहे हो उमंग को, तो तुम TDS इस सेक्शन में काटोगे, ठीक है। मैं अगर अपना सेंटर का इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहा हूँ, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं पैसा दूंगा उसका TDS इस फलाने सेक्शन में कटेगा। मैं अपने एम्प्लॉय का जब TDS काटूंगा तो उसका सेक्शन अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग है। तो यहाँ पे देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन और सब में TDS के नियम अलग अलग है। इधर देखो, अब दिमाग खुलेगा पूरा एकदम। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन, वो तो बता दूंगा। दूसरा चीज क्या है, पैन, टैन, पैन बता चुका हूँ, तो पैन बताना नहीं है मुझे। मुझे बताना क्या, टैन। TDS काटने के लिए टैन चाहिए। क्या तुम लोग के पास टैन नंबर है? क्योंकि तुम किसी का TDS काट ही नहीं सकते, तुम लोग किसी का TDS काट ही नहीं सकते, तो तुम लोग का टैन होता भी नहीं है। मुझे पेमेंट करते TDS काटना पड़ता है, इसीलिए मेरे पास टैन होना आवश्यक है। टैन मेरे पास नहीं है, मिस्टर सिद्धार्थ के पास नहीं है, LLP के पास है, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल पार्टनर हूँ। मेरा जो भी बिजनेस पेमेंट है वो तो मेरा LLP करता है ना, तो LLP के पास टैन नंबर है। टैन का फुल फॉर्म टी से TDS या फिर TCS। TCS भी होता है, अगला चैप्टर, ये चैप्टर 14 है, अगला चैप्टर 15 जो है वो TCS है, वो छोटा चैप्टर है 10 पन्ने का है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अभी बहुत छाया हुआ है, अभी बहुत उसका गूगल में वो चल रहा है न्यूज़ में। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते हैं ना पेमेंट्स के लिए, उस पर सरकार ने 20% TCS डाल दिया है, ठीक है, तो उसको लेके बड़ा मचा हुआ है कोहराम टाइप का। तो जैसे TDS होता है वैसे TCS होता है, अभी नहीं बोल पाऊंगा क्या है, बाद में समझ में आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो सेम टैन नंबर जो आप TDS के लिए करते हो वही आप TCS के लिए भी कर सकते हो। तो टैन का टी क्या है, TDS / TCS, और एन क्या है,
अकाउंट नंबर जो पैन का एन है वही है। पैन का सेक्शन क्या होता है? अरे बोर्ड पे देखो, रिटर्न का सेक्शन 139, पर पैन का अलग होता है, क्या होता है? 139 ए। पैन का सेक्शन क्या होता है? 203 ए। ओके है, ठीक है। अब ये देखो पार्ट ए, ये पार्ट ए के अंदर तमाम तरह के जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है टीडीएस के, सबका पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, अपने को पढ़ना है। ये देखो इधर पार्ट ए क्या लिखा है, हेडिंग टीडीएस सेक्शंस 190, 191, ये जनरल है। असली कहानी चालू होती है 192 से। 192 का नाम क्या पढ़ो? हाँ, मतलब मैं अपने स्टाफ को जब सैलरी पेमेंट करता हूँ, टीडीएस काटता हूँ, तो उसका नियम कानून कौन से सेक्शन में लिखा है? 192। कितना टीडीएस कटेगा, कब कटेगा, पूरा ज्ञान 192 में लिखा है। ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट सुनो, एक बार 193 देखो। 193 क्या लिखा है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, बोले तो डिबेंचर्स। मैंने डिबेंचर इशू किया था, आई एम अ कॉरपोरेट, मैंने डिबेंचर इशू किया था, तो डिबेंचर में ब्याज देते हैं कि नहीं? तो जब मैं ब्याज पे करूंगा तो मैं तो पेयर हूं, टीडीएस काट के ब्याज दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर इतना जबरदस्त है, ये तुम्हारे कई एंट्रीज को हिला के रख देता है, जनरल एंट्रीज को। डिविडेंड, जब मैं डिविडेंड पेमेंट करूंगा, डीम डिविडेंड याद है, आईएफओएस में पढ़ाया था। डीम डिविडेंड का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 2 का ब्रैकेट में 22, फिर ब्रैकेट में ABCDE। डीम डिविडेंड दूं या डिविडेंड दूं, मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। कभी आज तक ये बात नहीं सुना कि डिविडेंड जब मिलता है तो टीडीएस कट के मिलता है, यहाँ सुन रहे हो? ये चैप्टर है उस चीज़ का, ठीक है। एनी अदर इंटरेस्ट, डिबेंचर छोड़ के कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट जब मैं करता हूँ तो टीडीएस काट के करूँगा। सेक्शन पढ़ो मेरे हाथ के बगल में, 194A। अब लॉटरी पे पैसा जीते हो ना, वो सीधा 30% टीडीएस काट देगा, सेक्शन नंबर 194B। घोड़े की रेस में पैसा लगाए हो, जीतोगे, वो 30% टीडीएस काट देगा, 194। फिर 194C बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब मैं पेमेंट करता हूँ, मैं कोई काम करा रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 194C। जैसे मैं उमंग को, उमंग मतलब मंजरी एंटरप्राइजेस, जिनसे मैं किताब छपाता हूँ, बड़े हैं मुझसे, अब कितना भैया भैया लगाए मतलब शॉर्ट में, तो जो भी है उनसे जब मैं बुक्स प्रिंट कराता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? वो मेरे एम्प्लॉई हैं। इज उमंग भैया माई एम्प्लॉई कि उनका टीडीएस 192 में कटेगा? नो, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर। एक बुक छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो बुक छाप के देंगे, मेरे को बिल खड़ा करेंगे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस पे काट दूंगा 194C में, तो उनका 194C में कटेगा, उनका 192 में नहीं कटेगा। मैं अपने स्टाफ को सैलरी दूंगा, कहाँ कटेगा? 192 में कटेगा। ये सब बहुत जरूरी चीज है, मतलब ये चैप्टर इतना खतरनाक है, अगर तुम इस चैप्टर को पूरा साथ में होल पिक्चर लेके पकड़ के नहीं चलोगे तो बीच में कहीं जाके तुम्हारा दम खत्म हो जाएगा, मतलब तुम गिवअप मार दोगे कि यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो छोड़ के जाएंगे। अरे कैसे छोड़ के जाएंगे यार, 60 या 50 मक्का तो इनकम टैक्स आता है, उसमें 7 मक्का क्वेश्चन किया, अकेला टीडीएस खा गया था। 100 मक्का पेपर क्या इनकम टैक्स का, एक तो आधा पेपर इनकम टैक्स, उसमें 7 मक्का क्वेश्चन टीडीएस का डाला है, कैसे छोड़ के जाओगे बताओ? समझ रहे हो? छोड़ नहीं सकते। तो होल पिक्चर इसीलिए तो बता रहा हूँ कि उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर पकड़ में रहेगा, नहीं तो ये तो ट्रांजैक्शंस का चैप्टर है, ट्रांजैक्शंस में उलझ के खो जाओगे कहीं ऊपर। मैं कुछ खास खास बोल रहा हूँ, सारे स्टार अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। किसी दलाल वगैरह के थ्रू मैंने कोई काम कराया, कमीशन ब्रोकरेज दे रहा हूँ, टीडीएस काटूंगा। मैं रेंट देता हूँ ना कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो मैं टीडीएस काटता हूँ 194I में, ठीक है। ओके, अच्छा सुनो एक बार, प्लीज़ सुनना, छोड़ दो उसको, मेरे को सुनो। मैंने बहुत सारी नई बातें बताई हैं, एक और नई बात बता रहा हूँ। ये सब क्या है, ये वापस बताऊँगा, ये जो अपनी क्लासेस चलेंगी
टीडीएस की चार पांच, इनमें वापस बताऊंगा, लेकिन आज एक बार बता देने से क्या होता है, वो तुम्हारे यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में जाके घुस के बैठ जाता है और उसका अपने आप ही एक मेमोरी कनेक्शन बनते रहता है। तो जब मैं फाइनली बताऊंगा तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज फॉर यू, बल्कि इट विल री इन्फोर्स योर मेमोरी कनेक्शन, तो उससे लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मेरी बात को सुनना, मैंने आज जब चालू किया था तो मैंने क्या बोला, कौन हूँ मैं इंडिविजुअल हूँ कि क्या हूँ, कॉर्पोरेट एसएससी हूँ, डूइंग बिजनेस, मैक्सिमम यही केस होता है। इनफैक्ट जब मैं तुमको अलग अलग टीडीएस के सेक्शन पढ़ाऊंगा तो तुमको पता चलेगा कि इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, ठीक है, तब उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट, सपोज मैं ना एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता है, मेरा टर्नओवर है 70 लाख, मैं इंडिविजुअल नाम से धंधा कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप, मैं इंडिविजुअल नाम से धंधा कर रहा हूँ, मेरा टर्नओवर है 70 लाख, मतलब बिजनेस गुड्स बेचने का टर्नओवर है 70 लाख, तो मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता, तो जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे भी टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आपके इलाके में कितने सारे दुकानदार नहीं होंगे, होंगे ना, जहाँ से घर का सामान आता होगा, तो ये दुकानदार लोग भी तो माल खरीदते तब तो तुमको बेच रहे हैं, क्या ये भी जब माल खरीदते हैं तो टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं? नहीं, बिकॉज वो दुकानदार मोस्ट प्रॉब्ली इंडिविजुअल नाम पे काम कर रहा होगा, कंपनी नहीं खोलेगा वो, क्योंकि कंपनी खोलेगा मतलब दुनिया भर का लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो वो इंडिविजुअल नाम पे काम कर रहा होगा और उसका टैक्स ऑडिट भी नहीं होता होगा, वो उतना टर्नओवर दिखाता ही नहीं होगा सरकार को, और तुमको मालूम भी है कि उनका 1 करोड़ का टर्नओवर पार नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में दे आर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट कवर्ड बाय 44AB, तो वो जब किसी को पेमेंट करते हैं ना तो उनको टीडीएस काटना नहीं पड़ता। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, I/HUF मतलब इंडिविजुअल /HUF जो नॉन 44AB में है, नॉन 44AB मतलब जिसका टैक्स ऑडिट, 44AB इज द सेक्शन ऑफ द टैक्स ऑडिट, अगर आपका गुड्स का टर्नओवर 1 करोड़ पा रहा है या प्रोफेशन का रजिस्टर 50 तक पा रहा है या PTS आप पे एप्लीकेबल है पर आप PTS फॉलो नहीं कर रहे तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है ना, तो नॉन 44AB मतलब जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, ऐसे पेयर्स को पेमेंट करते वक्त TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। आर यू ओके? आई एम रिपीटिंग, इंडिविजुअल HUF नॉन 44AB मतलब टैक्स ऑडिट नहीं होता उनका, तो वो जब किसी को पेमेंट करते हैं तो TDS नहीं काटते, यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने बोला था ना कि 99% तो TDS कटता है बिजनेस पर्पसेस में, लेकिन पर्सनल पर्पसेस में भी 1% है जब TDS कटता है। लुक ऑन द बोर्ड 194IB क्या लिखा है पढ़ो तो, TDS ऑन रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल HUF ब्रैकेट में, अच्छा मतलब ये लोग भी जो अपने घर का रेंट पेमेंट करेंगे तो इनको भी TDS काट के पेमेंट करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। पर तुम चिंता मत करो, ये महंगा घर है, मतलब मंथली रेंट 50,000 के ऊपर वाला घर है, ठीक है, तब होता है। अब तुम सोचोगे हम तो नहीं काटते, तो तुम्हारा मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे घर का जो रेंट होगा मंथली वो 50,000 प्लस नहीं होगा। वी आर मिडिल क्लास पीपल, हमारा अगर रेंट उतना होगा तो हम खरीद ही लेंगे इससे बढ़िया होम लोन लेके, ठीक है। तो ये उनके लिए जो महंगे घरों में रहते हैं, जिनका मतलब तुमने, मैंने सुना था कोरोना के दौरान, याद है सुशांत सिंह राजपूत की वो पूरी हुई थी ना, तो मैंने मतलब न्यूज़ ही में देखा, सच्चाई का तो क्या पता, मतलब जिस घर में रहते थे उसका भाड़ा महीने का 5-6 लाख रुपये ऐसा कुछ था, ऐसा न्यूज़ आया, तो वो जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता होगा तो TDS काट के पेमेंट करता होगा, क्योंकि मोर देन 50,000 हो गया ना पर मंथ। ये देख रहा 194IB बड़ा फेमस हो गया आजकल, ये छुटकों के लिए एक और सेक्शन है, छुटकों के लिए एक और सेक्शन है, क्या M से 194M, छुटकों मतलब इंडिविजुअल HUF उनके लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया 194M कि ये भी जब पेमेंट करेंगे तो TDS काट के करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जे आज की क्लास में क्या सीख रहे हैं, ABCD, ठीक है ना, तो अभी क्या सीख रहे हैं, जे मतलब एक ही नंबर है 194, अब उसके आगे तुम बैठ के लगाते जाओ अल्फाबेट कुछ तो निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। 194J क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम देख रहे हो अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है ना, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरा थोबड़ा जो है मतलब मेरी बॉडी ये कैमरा कैप्चर कर रहा है जो तुमको यहाँ दिख रहा है,
और वो जो लिखा पढ़ी किया हुआ है वो तो मेरे आईपैड पे लिखा पढ़ी हुआ है, मतलब मेरे आंखों के सामने जो मेरा आईपैड है, क्या ये आईपैड कैमरा में आ रहा है क्या? जिनको नहीं समझ आ रहा बता दूं, तो मुझे देख रहे हो तो मेरे ठीक आंखों के सामने कैमरा लगा हुआ है सोनी का, ठीक है ठीक है सोनी कंपनी का कैमरा लगा हुआ है मेरे आंखों के सामने, ठीक है। तो कैमरा तो मुझे कैप्चर कर रहा है, कैमरा आईपैड के ऊपर तो है नहीं, तो आईपैड की जो फोटो है वो अलग से जा रही है, वो फोटो और मेरी कैमरा की जो ये इमेज जो है ये एक साथ कंबाइन होके तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तुमको स्क्रीन पे तो एक साथ कंबाइन होके दिख रहा है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स नो, दैट इज द इमेज ऑफ माई आईपैड बीइंग टेकन, नॉट विदाउट, नॉट फ्रॉम अ कैमरा बट कुछ कनेक्शन से, और ये तो मेरे को कैमरा से ये ले रहा है और उसको कंबाइन करके रियल टाइम पे तुमको दिखा रहा है। तो ये काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है ना, ये काम मिक्सिंग, इसको मिक्सिंग बोलते हैं। ये मिक्सिंग जो है दो अलग अलग चीज़ों से कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये हम लोगों ने मतलब सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है, ये सॉफ्टवेयर बिकता नहीं, ये सॉफ्टवेयर मतलब क्या कर रखा है, इसमें दो तीन तरह के होते हैं, एक फ्री सॉफ्टवेयर भी आता है ठीक है, और एक पेड सॉफ्टवेयर भी आता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर अगर है तब तो बात ही खत्म, पैसा ही नहीं तो काहे का टीडीएस, ठीक है। लेकिन मैं फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ पेड सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर तो मैंने किसी से लिया है ना, तो मैंने उसको पेमेंट किया होगा, उसको पेमेंट करते वक्त मैंने काटा होगा टीडीएस, कहाँ काटा होगा, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो यहाँ टीडीएस काटा होगा। नेक्स्ट सुनो, हर स्टूडेंट को मैं की देता हूँ कि नहीं कि घर पे क्लास देख सके वो जो की हर स्टूडेंट को मिलती है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है अलग से डिफरेंट, जो मेरे क्लासेस को एनक्रिप्ट करती है, स्टूडेंट को पहुंचता है क्लास और वो एक की के दम पे उसको डिक्रिप्ट करके मेरी क्लास को देख पाता है। इससे होता क्या, मेरे क्लासेस की सिक्योरिटी, वरना तो क्लासेस क्या है, वो तो थोड़ी मगर ओपन हो जाए तब तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसको सिक्योर करके एनक्रिप्ट करके स्टूडेंट को भेजता है, स्टूडेंट की से डिक्रिप्ट करता है एक सॉफ्टवेयर से। तो एक वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर तुम लोगों को दिया होगा ना मैंने, जिसको तुम देखते हो, तो उसके लिए भी मुझे पर यूज़ के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है, मतलब उसमें परमानेंट परचेज नहीं है। उसमें जैसे क्या है, हर एक स्टूडेंट का इतना रुपया लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा, वो डिपेंड करता है, उसका कोई कॉन्स्टेंट अमाउंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कि मेरी क्लासेस कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो मेरी सपोज 80 क्लास है तो इतना तो उसमें पर स्टूडेंट वाइज मुझे पेमेंट करना पड़ता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर उधार पे लिया है ना, क्या ना इसे मैंने सॉफ्टवेयर उधार पे लिया है और उसके लिए मैं उसको रॉयल्टी वगैरह जो भी पेमेंट कर रहा हूँ, लाइसेंस फीस, मुझे भी टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ता है उसको। कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा, 194J। अभी सुनो, तुम कल तुम लोग पास हो गए, मान लो एक दिन पास हो गए, बन गए, बन गए जो बनना चाहते थे जीवन में, सी ठीक है, CA या CMA जो भी बनना था। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सी सी से सब कुछ हो जाता है ना, CA CMA CS, क्योंकि एक का नाम लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, तो तुम सी बन गए ठीक है। अब तुमने सोचा कि तुम जॉब नहीं करोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि नहीं, तुमने सोचा कि तुम जॉब नहीं करोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस अपना ऑफिस देखे क्लाइंट लोग काम करोगे। जब तुम क्लाइंट लोग की काम करोगे, मतलब क्लाइंट लोग के लिए सर्विसेज दोगे, जैसे तुम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट का टैक्स का काम कर रहे हो, क्लाइंट का रिटर्न फाइलिंग करो, वट एवर, यू आर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो जो आपका क्लाइंट है जब आपको पैसा देगा ना पेयर, वो 194J में TDS काट के आपको देगा। तो जो आपको ऑडिट फीस मिलेगी, समझ लो क्या, यू आर अ क्वालिफाइड सी, सो यू आर गिविंग सम प्रोफेशनल सर्विसेज टू दैट पर्सन, सो योर क्लाइंट इज मेकिंग पेमेंट फॉर वॉट, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ही विल डिडक्ट योर TDS अंडर विच सेक्शन, 194J। तो तुम जॉब में गए तो तुम्हारा 192 में कटेगा, तुम प्रैक्टिस में गए तुम्हारा 194J में कटेगा। कुछ भी कर लो कटेगा जरूर, TDS कटेगा जरूर, चाहे ऐसे चाहे वैसे। और मेरे केस में मेरा TDS नहीं कटता, बल्कि मैं एडवांस टैक्स सरकार को पे करता हूँ। आर यू ओके? क्यों क्यों ऐसा नहीं है कि तुम लोग जब फीस दे रहे हो तो TDS काट देते, ऐसा क्यों नहीं है? जबकि अगर मैं प्रैक्टिस, सपोज मैं सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ तुमको, कोचिंग सर्विस इज अ प्रोफेशनल सर्विस है ना भाई, है तो मोटा मोटी है एक बार, मतलब यहाँ के हिसाब से तो नहीं है पर एक बार मान लो है, तो मैं कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ, तब तुम मेरे कस्टमर हो, क्लाइंट हो, तुम मेरे को जब पैसा देते हो तुम TDS नहीं काटते, नहीं काटते। लेकिन मैं अगर एक प्रैक्टिसिंग CA होता, क्या नाम है, मैं अगर एक प्रैक्टिसिंग CA होता और मैं क्लाइंट्स के लिए कुछ काम करता तो वो मेरा TDS जरूर काटते 194J में। तुम लोग नहीं काट रहे हो, क्यों? जवाब तुम जानते हो, मैं बोल चुका हूँ, बोलो क्यों?
क्यों? वो तो तुम ले लो टेन नंबर, ये बोला कि टेन नंबर नहीं इससे काटे थे तो ले लो टेन नंबर, उसमें क्या है? हाँ, एक पॉइंट जो बोला लड़के ने, पर्सनल पर्पस, तुम बिजनेस पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे ना मेरे से, तुम मेरे से किससे पढ़ रहे हो? ये पर्सनल पर्पस माना जाएगा, बिजनेस नहीं है तुम्हारा, कोई व्यापार तो है नहीं। एक नंबर बात सॉलिड बोला, बिकॉज मैक्सिमम पर्सनल पर्पसेस में टीडीएस नहीं काट सकते। और कोई बात तो क्या है, और कौन से वाले इंडिविजुअल है? तुम नॉन 44 एबी वाले इंडिविजुअल हो, है ना? एक तो तुम नॉन 44 एबी वाले इंडिविजुअल हो, तुम्हारे ऊपर मैक्सिमम टीडीएस का ज्ञान लगता नहीं है। ऊपर से तुम जो मुझसे सेवाएं ले रहे हो, ये बिजनेस पर्पस के लिए कि पर्सनल पर्पस के लिए? तो वैसे भी नहीं है, इसलिए तो मेरा टीडीएस नहीं काटते हो। लेकिन जब मैं किसी क्लाइंट का काम करूंगा तो क्लाइंट तो मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स रेट वाला रहेगा भाई। सीए के जो क्लाइंट्स होंगे मोस्टली वो तो 1 करोड़ के टर्नओवर ऊपर वाले रहेंगे, तो एक तो वो वाले कैटेगरी के हैं, प्लस वो बिजनेस पर्पस के लिए मुझसे ऑडिट करा रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंसी ले रहे हैं ना, तो वो तो काटेंगे टीडीएस ना 194J में। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब ब्रॉड पिक्चर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुमको टीडीएस से डर लगने लग जाएगा, और डर लग जाएगा तो फिर तो डर गया मर गया, फिर वो एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे और नुकसान हो जाएगा अल्टीमेटली। तुम सोचो तुम सैलरी पूरा चाट चाट के गए और उससे ऐसा कुछ आ गया या आया ही नहीं, तब क्या कर लोगे? और ये तुम छोड़ के गए और इससे एकदम हल्का सा क्वेश्चन आ गया इजी सा, तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट लोग कितनी बार कोशिश करते, कितनी बार गलत फैसला लेते हैं। कोई भी चैप्टर हार्ड या इजी आपके पढ़ने से डिटरमाइन नहीं होता, ठीक है? वो डिटरमाइन इस बात से होता है कि उस चैप्टर पे क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में। सैलरी क्या चैप्टर कैन बी हार्ड और कैन बी इजी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ यू आर प्रिपेयर्ड, इट डिपेंड्स ऑन कि सैलरी से मेरे एग्जाम में जब मैं एग्जाम देने बैठा क्वेश्चन हार्ड आया कि इजी। टीडीएस चैप्टर हार्ड है कि इजी, इट ये इस बात से डिपेंड नहीं करता कि तुमको आता है कि नहीं, तुम पढ़े कि नहीं पढ़े, ये इस बात से डिपेंड करता कि तुम्हारे एग्जाम में टीडीएस से क्वेश्चन हार्ड आया कि इजी। तो कोई भी चैप्टर तुम छोड़ने का कभी जीवन में रिस्क मत लेना, मतलब भयंकर नुकसान होगा। एग्जाम में तो होगा ही, प्लस अगर मैं यहाँ की बात करूँ, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट की बात करूँ, टैक्स सब्जेक्ट में अगर कमजोर हो गए जीवन में, तुम अपने लिए ना बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी पहले ही माइनस करके बैठ जाओगे, ठीक है? मैं जब पास किया था, व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए, आई क्लियर्ड इट, उसके बाद मेरा टैक्स का उतना कोई वास्ता नहीं रहा, पूरा उड़ गया मेरे खोपड़ी से, पूरा का पूरा उड़ गया मेरे खोपड़ी से टैक्स। और इनफैक्ट मैं ये क्यों बोलूँ कि डिग्री के बाद, डिग्री के पहले से उड़ा हुआ था, मतलब जब मैं क्लासेस कर रहा था, क्लासेस के बीच में उड़ गया था। मतलब एक होता है ना कि शुरू में जब मैं क्लास कर रहा था, मुझे याद है मैं जब इंटर के टैक्स की क्लास करता था, मतलब इंटर के जब मैं ट्यूशंस करता था ना, तब मेरे फेवरेट टीचर होते थे सोनी सर, फेवरेट, मतलब इन मेरे को इतना ज़बरदस्त, मतलब अच्छा लगता था टैक्स का मतलब करना, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हो रही है वो मोटा मोटी मुझे आती हैं, पर टैक्स में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो नया है, जो मैंने कभी जीवन में पढ़ा नहीं, मेरे 11th में नहीं था, मेरे फाउंडेशन में नहीं था, कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो टैक्स क्लास, ठीक है? लेकिन समवेयर मतलब क्या हुआ कि आगे जाते हुए, ये सब्जेक्ट तुम जानते हो कैसा है, इसमें ज्ञान खत्म ही नहीं होता, बढ़ते जाता है। आफ्टर सम पॉइंट लाइक आई लॉस्ट इट, मतलब मेरा ग्रिप छुट गया सब्जेक्ट से, और जब ग्रिप छुट गया ना, तब क्लासेस भी अच्छी लगनी बंद हो गई, मतलब जिस जो मजा आता था मेरे को क्लास करने में, वो मतलब मेरे को बोझ लगने लग गया कि मैं जा रहा हूँ क्लास करने के लिए, मेरे को बोझ लगने लग गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट द ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है? तो वो जब होता है ना, तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है टैक्स में। और हम जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स नाइन की जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे प्रैक्टिकली जब करियर बनेगा आगे हमारा, तो करियर बहुत सारे होते हैं, हजारों करियर हैं, उसमें से तुम समझ के चलो 1/3 ऑफ द करियर ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, 1/3 ऑफ द करियर ऑप्शंस आर क्रिएटेड फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट। सो इफ यू आर लाइक लॉस्ट इन दिस, नो ऑल दोज 1/3 करियर ऑप्शंस आर गॉन फ्रॉम योर लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स पे आपका ग्रिप नहीं है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट करियर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट इज कि वो आगे जाके नौकरी ना करके प्रैक्टिस कर सकता था। और अगर टैक्स ही पे तुम्हारा ग्रिप नहीं है, तो प्रैक्टिस तो भैया तुम भूल जाओ, प्रैक्टिस करने लायक तो फिर तुम नहीं हो, वहाँ जाके क्या डेबिट का क्रेडिट करोगे क्या? प्रैक्टिस में डेबिट का क्रेडिट नहीं होता, वो तो बीकॉम ये लोग करते हैं, ठीक है? तो अगर तुम यहाँ कमजोर होगे, तो एग्जाम में ही नहीं बल्कि तुम अपने करियर ऑप्शन में बहुत कुछ माइनस करके बैठ जाओगे। और प्रैक्टिसिंग सीए लोग, बाय द वे बता देता हूँ, अभी तुमको एहसास नहीं होगा, अभी तुम लोग खाली कोचिंग टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुमको खाली कोचिंग टीचर की कमाई दिखती होगी, मल्टीप्लाई करके इतना कमाता है ना। जब तुम जाओगे उसमें आर्टिकलशिप में, इंटर पास करके तुम आर्टिकल्स में जाओगे, प्रैक्टिसिंग सीए जिसके अंदर तुम काम करोगे, तुम उसकी कमाई देख के पगले हो जाओगे, पगले।
तुम बोलोगे यार वो तो कम से कम भौंकता रहता था आके 2-2.5 घंटे क्लास में, ये तो खाली ऐसे कलम चलाया है, सारा काम तो हम लोग किए हैं और मलाई ये खा रहा है, हमको दे रहा है 1,500-2,000 रुपये आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड का, तुम हिल जाओगे। मतलब खाली उसके साइन का कीमत है, वो सारा काम तो तुम लोग से कराता है, सब कुछ तुमसे कराएगा, उसको खाली ऊपर से देखे ऐसे साइन चलाना है। जो फीस आ रही 50,000 बस उसकी साइन की कीमत है, बिकॉज ही और शी हैज गॉट द मेंबरशिप नंबर। काम इज डन बाय यू, यू गेटिंग माय पॉइंट। सारा वहां पे जितना भी स्टाफ लोग का पूरा टीम रहेगा, सपोज तुम एक सीए फर्म में काम करने को 100 लोगों की वहां पे वो रहती है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर आर्टिकल, सेकंड ईयर आर्टिकल, थर्ड ईयर क्वालिफाइड सीए, ये वो अदर भी होते हैं, बीकॉम्स भी वहां पे काम करते हैं, सीएमए सीएस भी काम करते हैं, सब मिक्सचर रहता है, ठीक है। 99 लोगों की मेहनत ये अकेला खा रहा है, अकेला, खाली इसके पास कलम की ताकत है वो साइन का, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो अभी तुमको लगता हो कोचिंग टीचर लोग, नो, यू गो देर यू विल सी। तो प्रैक्टिसिंग इज अ वेरी ग्रेट करियर, बट एज आई सेड, अगर तुम्हारा ये कमजोर है ना टैक्स वाला पोर्शन इंटरफाइनल में, तब तुम फिर प्रैक्टिस का रास्ता नहीं बना पाओगे जीवन में। जे क्लियर? जे तो हम लोग सबके साथ होगा ही, अगर हम प्रैक्टिस में गए तो। ये लास्ट में कुछ देख रहे हो, ये सब नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, मतलब ये पिछले कुछ साल में आया है, फैंसी आइटम्स है, अभी ये बहुत हिट हो रखा है। ये सब अमेंडमेंट्स है, ये सारा 2-4 साल में आया एकदम तड़ातड़ नया नया, MNOPQR, MB, इनफैक्ट देखो लाइन से नहीं है MNOPQR, अब अगली बार ऐसा आएगा, ठीक है, ये आ चुका होगा तो पता नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये सब फैंसी आइटम है, ये बोलूँगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, इनमें जाऊँगा तब होगा, ओके। पार्ट ए क्या था? TDS सेक्शंस, अब क्या देखो तो पार्ट बी, व्हाट इज पार्ट बी सर? TDS फॉर्मेलिटीज, काटा कुटी, किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या होना है नहीं होना है, वो सारा ज्ञान हो गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये भी आप छोड़ नहीं सकते, TDS रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं। अब ये फॉर्मेलिटीज याद रखने में दिक्कत होगी, इसीलिए एक मास्टर डायग्राम है जिससे बहुत सारा फॉर्मेलिटी एक झटके में याद हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट में क्या है? ऐसे तो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आंसर आते ही रहेंगे, और लास्ट में देखो एक है जंबो क्वेश्चन, और फिर बुक के एंड में तो 2 पेज का वो मास्टर समरी चार्ट है ही ना। ये जो इतने सारे सेक्शंस हैं पार्ट ए में, इनका मास्टर समरी चार्ट है ना अपने पास? एक बार शो करूंगा मैं, बुक के लास्ट में जाओ। Oh shit. इसको सीधा करना पड़ेगा। खराब हो गया ये मास्टर समरी चार्ट तुम्हारी आंखों के सामने, लुक एट दिस। ये मैं बीच बीच में जब एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी आके साथ साथ करते रहेंगे। ये मास्टर समरी चार्ट यहाँ भी है और अंदर भी है, मतलब अंदर अलग 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 तोड़ के, यहाँ इकट्ठा करके है। सबसे पहले क्या दिख रहा है? छोटा लिखा हुआ है, बोर्ड पे नहीं पढ़ पाओगे, अपने उस बुक में देखो, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 192, ट्रांजेक्शन क्या है? मतलब हु इज मेकिंग पेमेंट टू हुम, एम्प्लॉयर इज मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय। सैलरी सबसे बवाल होता है, एकदम डिफरेंट फ्लेवर है सैलरी का, ठीक है, करो जल्दी यार। सैलरी का फ्लेवर डिफरेंट क्यों? मैं कुछ नया बोलने जा रहा हूं, प्लीज याद करो, सुनो। तुम लोग को मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि टैक्स में 3 हिस्से होते हैं, टैक्स इज इक्वल टू बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस। सही बोला मैंने? टैक्स इक्वल टू बेसिक प्लस सरचार्ज प्लस सेस। नॉर्मली जब अपने TDS काटते हैं तो अपने सरचार्ज और सेस नहीं जोड़ते,
मतलब नॉर्मली जब मैं उमंग का काटता हूँ या लैंडलॉर्ड का टीडीएस काटता हूँ तो मैं सरचार्ज और सेस नहीं जोड़ता, ओनली एक रेट दिया हुआ है 10%, 2%, 5%, उतना मेरे को टीडीएस काटना है, ठीक है। लेकिन सैलरी के केस में ना, एम्प्लॉयर हैज टू कैलकुलेट योर एंटायर तितली, मतलब तुम्हारा पैकेज तो पता है ना मुझे, तुम्हारा इस फाइनेंशियल ईयर में पैकेज क्या हो मैं जानता हूँ कि नहीं, मैं ही तो दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे पैकेज पे पूरा तितली कैलकुलेट करता हूँ, एग्जैक्ट सरचार्ज जोड़ के सेस जोड़ के आई कैलकुलेट योर एग्जैक्ट टैक्स, ओके, आई विल एड योर बेसिक टैक्स सरचार्ज सेस पूरा तितली कैलकुलेट करूंगा, तितली जो भी आएगा निकल के डिवाइडेड बाई 12, और हर महीने उतना टीडीएस कटता रहेगा, तितली जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 12, और हर महीने पैसा उतना टीडीएस कटता रहेगा। अब सुनो क्या होता है, तुम आए मेरे यहाँ नौकरी करने, ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम मेरे यहाँ ज्वाइन किए, सपोज एक बार एग्जाम्पल में तुम अप्रैल में मेरे यहाँ जॉब पकड़ने आए, तो अप्रैल में जब तुम मेरे यहाँ जॉब करने आए, तुम्हारा पैकेज है 8 लाख, कितना पैकेज है 8 लाख। अब मैं तुमको बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो अब तुम्हारा तितली निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने मुझे टैक्स काटना पड़ेगा, तो मैं अभी तुमको बोलूँगा कि सुनो 8 लाख के पैकेज में तुम बता दो कि तुम क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शन लेना चाहते हो, तुम बता दो मेरे को। तो पहले तो मेरे सैलरी पैकेज का ब्रेकअप रहेगा कि 8 लाख का, 8 लाख में ये होता है, उसमें जितने भी अलाउंसेस होते हैं उसमें कुछ कुछ एग्जेम्पशन होता है ना, एचआरए में, चिल्ड्रन एजुकेशन में, वो सब तुम देख लो, स्टैंड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, वो सब तो है। इसके अलावा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि 6A में तुम क्या लोगे, 6A इन्वेस्टमेंट्स, घर का रेंट 80GG, डोनेशन 80G, इंटरेस्ट पेमेंट, वो सब भी लोगे तो बता दो मेरे को, अभी मैं प्रूफ नहीं मांगूंगा, बस खाली तुम बता दो, डिक्लेयर कर दो। तो तुमने पूरा बता दिया, सर मैं 80C करूंगा, डी करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका करूंगा, सब। तो मैंने तुम्हारा तितली कैलकुलेट किया, लेट अस से तुम्हारा साल भर का पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रहा है 12,000 रुपया, कितना आ रहा है साल भर का 12,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो साल भर का टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारा कितना कैलकुलेट किया मैंने, 12,000 रुपया, हर महीने कितना काटूंगा 1,000 रुपया, तो हर महीने जब तनख्वाह दूंगा तो 1,000 रुपये टीडीएस काटूंगा, क्लियर है। अब जब साल खत्म होने वाला होगा ना, मार्च महीना आ जाएगा, अप्रैल से मार्च तक, मार्च महीने में मैं तुमको बोलूंगा शो मी द प्रूफ, मतलब तुमने मेरे को बोला था कि तुम 2 लाख रुपए का ATC में लोगे ना, 50,000 का NPS में डाल के, और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट LIC ये सब में प्रूफ दो, क्योंकि उन सब में तो आपको 31 मार्च के पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, तो तुम मेरे को प्रूफ दो NPS में कितना डाला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना दिया, बच्चों की होम एजुकेशन वो सब का कितना, सब दो प्रूफ दो मेरे को। तुमको 80GG लेना है रेंट वाला, क्योंकि मैं तुमको HRA सपोज नहीं देता हूँ, RFA भी नहीं मिलता है, तो तुम 80GG रेंट का लेना चाहते हो, मेरे को लाओ प्रूफ दो, रेंट सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट सब, तो जो जो तुम बोले थे मेरे को 1 साल पहले, मेरे को सबका प्रूफ चाहिए, नहीं तो फिर मैं मार्च में ही तुम्हारा रिकैलकुलेट करूंगा तितली और बड़ा वाला काट दूंगा, समझे क्या। अब तब सपोज यू डिड नॉट गिव मी द प्रूफ फॉर द डिडक्शन दैट यू वॉन्टेड टू क्लेम, यू डिड नॉट सबमिट मी द प्रूफ, तब फिर मैं तुम्हारा रिकैलकुलेट करूंगा तितली, तो ज़्यादा आ जाएगा, 50,000 आ गया, तो इतने 11 महीने में कितना काटा तुम्हारा, 11,000, अभी कितना आ रहा है 50,000, अब मैं सीधा एक बार में काटूंगा 39,000, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जो भी आप बोले थे उस वक्त आपको प्रूफ देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को मार्च महीने में, आर यू ओके, समझो। तो बड़ा मस्त है, सैलरीज वाले केस में सरचार्ज और सेस भी कैलकुलेट होता है, बाकी जगह सरचार्ज सेस कैलकुलेट नहीं होता, सरचार्ज सेस ना सिर्फ दो ही जगह कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज और सेस TDS काटते वक्त सिर्फ दो ही जगह कैलकुलेट होता है, सैलरी टू स्टाफ, और दूसरा गोरे को पेमेंट, किसको पेमेंट, क्योंकि गोरे को तो सरकार पकड़ेगी नहीं, तो सरकार बोलती है इसका तो सरचार्ज भी काट और सेस भी काट, और एम्प्लॉय लोग का तो एग्जैक्ट टैक्स निकलता है, तो उसमें सरचार्ज सेस तो आएगा ही। आर यू ओके विद दिस? ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी कब काटेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब हर महीने कटेगा, यहाँ पे अर्लियर वाला सिस्टम नहीं है, नीचे देखो तो एक बार, इधर अर्लियर है ना, मैंने बोला था ना सरकार को समाई भी नहीं पेमेंट का, अर्लियर योर नेम इज क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट, तो एम्प्लॉय लोग का लेकिन पेमेंट के टाइम पे कटेगा, ओके कितना कटेगा, कोई टैक्स रेट दिया है, नीचे देखो सब जगह रेट होगा, नीचे देखो भाई रेट है कि नहीं है, यहाँ कोई रेट नहीं है, यहाँ बोला एवरेज टैक्स है, मतलब मैं आपका एग्जैक्ट तितली निकालूंगा और फिर डिवाइड बाई 12 एवरेज महीने का इतना और काट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कोई एम्प्लॉय सैलरी में तुमसे कोई पूछा कि बताओ सैलरी पे कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, बोलेगा परसेंटेज नहीं होता, यहाँ पे हर एम्प्लॉय का अलग अलग कैलकुलेट होता है, एंड जो भी एनुअल आ रहा है डिवाइड बाई 12 करके उतना देना पड़ता है, हर एम्प्लॉय का अलग है। अब एक बात सोचो, जो महंगे एम्प्लॉय उनका ज़्यादा टीडीएस कटेगा, जो छोटे एम्प्लॉय उनका कम कटेगा,
तो एम्प्लॉय लोग के लिए टीडीएस का कोई फिक्स रेट नहीं है कि 5% की 10%, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। अगर मेरे एम्प्लॉय को जो तनख्वाह में दे रहा हूँ 5 लाख के अंदर है तो जीरो कटेगा उसका, है ना। तो एम्प्लॉय के केस में कोई फिक्स रेट नहीं होता, इट्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनो, प्लीज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। हर छोटे छोटे पेमेंट में टीडीएस नहीं कटता, हर छोटे छोटे पेमेंट में टीडीएस नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे आज ऐसा नौबत तो नहीं है, पर मान लो कि मुझे तुम लोग को कोई शीट बांटनी है, लेट्स से कि मुझे तुम लोग को कोई शीट बांटनी है जेरोक्स करा के, तो उमंग से जब मैं बुक्स छपाता हूँ तो मैं टीडीएस काटता हूँ। तो मैं एक जेरोक्स वाले के पास गया, क्योंकि मुझे लूज शीट बांटनी थी क्लास में कुछ, तो मैं एक जेरोक्स वाले के पास गया और मैंने जेरोक्स करवाया। सपोज जेरोक्स का टोटल बिल है 3000 रुपये का, कितने गया, तो जेरोक्स वाले को मैं पेमेंट कर रहा हूँ फॉर पर्सनल की बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस, एंड आई एम अ कॉर्पोरेट एसएससी एलएलपी, तो जेरोक्स वाले को तो 3000 ही दे रहे हो ना, क्या टीडीएस काटोगे क्या? नहीं, यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन में एक लिमिट होता है, इतने अमाउंट के ऊपर है तो काटेंगे वरना नहीं काटेंगे, समझे। लेकिन सैलरी में ऐसा कोई लिमिट शिमिट नहीं है, क्योंकि सैलरी में तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो नील आया तो नील, अमाउंट आया तो अमाउंट, तो यहाँ अलग से कोई लिमिट नहीं है। कितना के ऊपर सैलरी होगा तो टीडीएस कटेगा वरना नहीं कटेगा, ठीक है। कौन काटेगा, हु इज द डायरेक्टर, ठीक है। अब लास्ट है, धांसु है, मैं अभी छुपा रखा हूं उसको, सुनो। अब पहले जाके पढ़ के आएगा लास्ट में क्या लिखा है, इधर देख। सुनो, ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे एम्प्लॉई हो, पर मेरी सैलरी के अलावा तुम्हारी और भी इनकम हो जीवन में, नहीं हो सकता। तुम्हारा सब वो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट है, इधर है, तो इंटरेस्ट इनकम अगर IFRS इनकम हो सकता है, HP इनकम हो सकता है, लाइफ में कोई और इनकम हो सकता है, तो तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, तुम अपना बाकी सारा इनकम भी मेरे को बता दो, तो मैं तुम्हारा पूरा ही इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके पूरा ही TDS काट के जमा कर दूंगा। ये भी हो सकता है अगर तुम देने को तैयार हो तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, आर यू ओके विद दिस? अदर पॉइंट इंक्लूड्स सरचार्ज एंड सेस, ये तो बता चुका मैं, क्योंकि एग्जैक्ट तिथि निकलता है। क्लियर है कि नहीं? समरी, ये समरी था। अब तुमको देखो समरी पढ़ा दिया मैंने, कई स्टूडेंट को लगता है कि समरी पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। जब मैं अंदर वहाँ जाऊँगा मैं सैलरी के सम्स दिखा दूंगा तुमको, 192 में सम्स है, और जितना मैंने पढ़ाया उसके आधार पर तुम सम सॉल्व करने लायक हुए नहीं हो, हालांकि वो सम जिस मुद्दे पर मैं बता चुका हूँ, फिर भी नहीं कर पाओगे। बहुत ज्ञान है, वो अंदर भी जाके बार देखना पड़ेगा, पर ये चार्ट सही है ना, रिविजन में फटाफट होगा, पढ़ने के बाद तुम आओगे तो एकदम खड़ा कर रिवाइज हो जाएगा एक बार में। ठीक है, स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन। इनकम टैक्स का जो बेयर एक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 17 किस मुद्दे पे है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। तो इसी के अंदर एडवांस टैक्स आता है और इसी के अंदर TDS आता है, ठीक है। सही है, पहला टॉपिक क्या है, ड्यूटीज ऑफ द पेयर। तो मेरी चार ड्यूटी होती है, हेलो फर्स्ट क्या पढ़ो, नाम पढ़ो, ड्यूटीज ऑफ द पेयर। क्या ड्यूटी है मेरी, डिडक्ट TDS काटूंगा, डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, रिटर्न फाइलिंग होता है TDS का अलग से मुझे जमा करना पड़ता है, TDS का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, TDS का रिटर्न जमा करना पड़ता है, ठीक है। और चौथा, तुमको मैं सर्टिफिकेट दूंगा TDS का, सैलरी वाले पे फॉर्म 16 होता है, बाकी सब जगह 16A होता है, ठीक है। ओके, मैं एक पेज बोल रहा हूं, वहां एक बार जाना है तुम लोग को, बहुत बाद में आएगा।
62 ये टीडीएस फॉर्मेलिटीज का मास्टर डायग्राम है, दिख रहा है? मिला क्या मास्टर डायग्राम? तुम लोग टच भी नहीं करोगे इसको, क्योंकि मैं ये डिटेल में एक दिन पढ़ाऊंगा, आज वो दिन नहीं है, अभी खाली बस हल्का सा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा, मुझे सरकार के पास कब तक जमा करना है? ऑन और बिफोर द एंड ऑफ 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन, सीधा सीधा बोलो अगले महीने की 7 तारीख तक, ठीक है? अगले महीने की 7 तारीख तक। साल में लास्ट मंथ कौन सा होता है बेवकूफों? मार्च। प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च। मार्च में जो भी टीडीएस काटते हैं वो कब तक जमा होता है? तो मार्च क्योंकि साल का आखिरी महीना है, तो उसमें इन्होंने थोड़ी सी रियायत दे दी कि मार्च महीने में आप जो भी टीडीएस काटोगे वो 7 अप्रैल तक नहीं, 30 अप्रैल तक कर देना। बाकी कोई महीना होगा तो अगले महीने की 7 तारीख, लेकिन मार्च महीना आखिरी महीना होता है ना, क्लोजिंग मंथ, तो उसमें जो भी आप काटते हो आप अगले महीने का 7 तारीख नहीं, 30 तारीख तक दे देना। क्लियर है? मार्क मत करना, मार्क मत करना गलती से भी। लिखना मत, ये टीडीएस रिटर्न है। क्या है ये? टीडीएस रिटर्न है। फॉर्म नंबर फलाना ढिमका ढिमका, याद नहीं रखना है, मतलब फॉर्म नंबर याद नहीं रखना है। कब जमा होता है टीडीएस रिटर्न? क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर है? 4। क्वार्टर एंडिंग क्या होता है? अप्रैल से जून 30 जून, जुलाई से सितंबर 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, कब तक रिटर्न जमा करना है? समझे क्या? समझे क्या? मेरा पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल टू जून। खत्म कब होता है? 30 जून। रिटर्न कब तक जमा करना है? एक महीना बाद, 31 जुलाई। वैसे ही जुलाई से सितंबर वाले का रिटर्न कब तक जमा करना है? एक महीना बाद, 31 अक्टूबर। अक्टूबर से दिसंबर वाले का रिटर्न कब तक जमा करना है? एक महीना बाद, 31 जनवरी। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है साल का, उसमें फिर मेरे को रियायत। लास्ट क्वार्टर क्या है साल का? जनवरी टू मार्च। उसका रिटर्न कब तक? उसका तो टैक्स ही पेमेंट, टीडीएस पेमेंट ही हम लोग मार्च का करते हैं 30 अप्रैल को, तो रिटर्न कब तक जमा करना है? 30 अप्रैल की 31 मई। तुमको याद है मैं बोल रहा था बीच में 31 मई आने वाला ड्यू डेट जमा करना है टीडीएस का रिटर्न, ठीक है? कल ही जमा हुआ है। ओके, तो ये क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर का जमा होता है 31 मई तक। अब ये सब चीज़ें हैं, तुम सोचो आज अभी तुम फर्स्ट क्लास है टीडीएस के जोश में हो कि फर्स्ट क्लास है, अभी उतना झेले नहीं हो, तो अभी ताज़ा हो, तो आज ये समझ में आ रहा है, फील हो रहा है, याद हो रहा है, बाय द टाइम आई फिनिश द चैप्टर एंड देन आई कम टू दिस, यू हैव लॉस्ट ऑल योर एनर्जी। दैट टाइम यू आर नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, यू आर लाइक खत्म करा दो बस, ठीक है? इट्स लाइक दैट। तो उस एटीट्यूड से ना बातें अच्छी नहीं लगती और याद भी नहीं होती। तुमको कोई चीज़ जब इंटरेस्टिंग लगना बंद हो जाता है ना कि उसका वैल्यू क्या है, तब वो तुम याद नहीं रख पाओगे। योर माइंड इज लाइक दैट ना। ओके, लिखा पढ़ी मत करना तुम लोग, ठीक है? अच्छा, टीडीएस का सर्टिफिकेट जो मैं देता हूँ, आई एम द पेयर व्हेन आई डिडक्ट योर टीडीएस, आई हैव टू गिव यू सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। फॉर्म नंबर बोलो, ठीक है? नंबर याद नहीं रखना है। सैलरी के केस में, सैलरी का 192 होता है ना, सैलरी का 192 होता है ना, सैलरी केस में फॉर्म 16, बाकी सारा केस में फॉर्म 16 है। सैलरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो सीधा साल खत्म होने के बाद होता है, क्योंकि सैलरी तो तुम मेरे साल भर काम की हो। तो देखो क्या है, अगले साल के 15 जून तक, मतलब 22-23 खत्म होगा प्रीवियस ईयर, और 15 जून 2023 तक मैं तुमको फॉर्म 16 दे दूंगा। लेकिन बाकी सारे ट्रांजैक्शन में तो जिस दिन टीडीएस काटा, ठीक है, टीडीएस काट के रिटर्न जमा करना पड़ता है ना, तो टीडीएस रिटर्न जमा करने की जो डेट होती है वहां से 15 दिन। तो पहले टीडीएस रिटर्न जमा कब तक होता है? क्वार्टरली होता है सर, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई। जैसे वो रिटर्न जमा करने का टाइम आया वहां से 15 दिन और पढ़ो, विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न।
तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? सबके सब 31 है ना, सारे 31 वाले महीने हैं, तो ये खत्म हुआ प्लस 15 दिन के अंदर आप जिनका भी काटे थे उस क्वार्टर में उनको आप टीडीएस सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो टीडीएस सर्टिफिकेट क्वार्टरली दिया जाता है, ठीक है? आर वी ओके विद दिस? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तुम लोग को याद है अभी बीच में मैंने बोला था कि मैक्सिमम केसेस में जो इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं नॉन 44AB वाले, उनको टीडीएस नहीं काटना पड़ता है ना, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां इंडिविजुअल एचयूएफ जो नॉन 44AB वाले हैं उनको भी टीडीएस काटना पड़ता। दिख रहा है? उनको टैन नहीं चाहिए, एक इंडिविजुअल एचयूएफ जो 44AB वाले नहीं है वो अगर टीडीएस काटते भी हैं तो बिना टैन के टीडीएस काट सकते हैं, ठीक है? उनके लिए जमा करने का डेट्स वेट्स रिटर्न स्टेटमेंट सब थोड़ा अलग अलग है। क्लियर? तुम लोग मार्क मत करना इसको। क्या पेज था जहां मैं लेके गया था? टीडीएस काटते वक्त, हेलो, टीडीएस काटते वक्त सरचार्ज और सेस कैलकुलेट नहीं होते, पर दो केसेस में होते हैं। नंबर वन सैलरी, नंबर टू गोरा। ठीक है, एक बार मैं एक पेज बोलूँगा, वहाँ जाना है तुम लोग को। ठीक है, एक पेज बोल रहा हूँ, जाना है, पहले याद कर लो एक बार। सर, टीडीएस काटते वक्त पेयर को सरचार्ज और सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो केसेस में लेना पड़ता है, एक तो सैलरी, क्योंकि सैलरी में एग्जैक्ट तिथि निकलता है इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, और दूसरा केस कौन सा है पढ़ो तो क्या लिखा है? गोरा। गोरा मतलब नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा नहीं मतलब गोरा है, मतलब इंडिया में नहीं रहेगा बाहर रहेगा, तो सरकार वहां तो जाके पकड़ेगी नहीं, तो इसलिए उसका सरचार्ज सेस भी काटना पड़ता है। कम टू पेज नंबर 29। सर 29 पे ऊपर देखो नाम क्या लिखा है, 194E मिला क्या? सुनो, IPL चल रहा है हिंदुस्तान में, बहुत सारे गोरे आएंगे या काले आएंगे खेलने के लिए, फॉरेन क्रिकेटर्स आएंगे ना, तो वहाँ यहाँ पे वो जो भी कमाएंगे, जब उनको प्राइज मनी पैसा जो भी आप दोगे उस पर TDS कटेगा, कितना देख के बताओ वहाँ पे, 20% प्लस सरचार्ज। दिख रहा है सबको? एक टेबल बना हुआ है छोटा सा समरी का, उसमें देखो लिखा हुआ 20% प्लस सरचार्ज प्लस, कि गोरा है ना उसको तो सरकार पकड़ी नहीं, सारा यहीं पे काट लो उसका 20% सरचार्ज से सब। आर यू ओके विद दिस? नेक्स्ट, तीन नंबर इज कॉमन सेंस। जब आप इनको पेमेंट करते हो तो टीडीएस नहीं काट सकते। एक बार सोचो, मैं सरकार को टैक्स देता हूं, मैं सरकार को टैक्स पे करते हुए टीडीएस काट के सरकार को दे दिया, ऐसा हो सकता है क्या? जिसको दे रहा हूं उसी का मैं काट के, मतलब कैसे? अच्छी बात नहीं है ना, तो आई एम पेइंग GST टू गवर्नमेंट, वहीं पे मैं काट दूं, सरकार के लिए तो वो इनकम है, रेवेन्यू, तो मैं क्या सरकार का टीडीएस काट सकता हूं? मैं इनकम टैक्स सरकार को दे रहा हूं, टीडीएस काट के दे रहा हूं उनका। सरकार का कोई पैन नंबर है? सरकार ही तो एकमात्र वो है जो टैक्स नहीं देती है। ये पांच लोग हैं, इनको जब आप कुछ भी पेमेंट करोगे इनको दोगे, ये लोग पेयर हैं कि पे ही हैं, इनको जब आप पैसा दोगे तो आप टीडीएस नहीं काट सकते। कौन कौन है ये? गवर्नमेंट, कॉमन सेंस। दूसरा RBI, अगर आप RBI को कुछ भी पेमेंट कर रहे हो। तीसरा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। चौथा म्यूचुअल फंड। पांचवा NPS, इनको देते तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। ऐसे और भी है, ये तो जस्ट एक लिस्ट, छोटा सा लिस्ट है बस। अच्छा, लेकिन ये लोग जब दूसरों को देंगे तब वो काटेंगे, जब ये पेयर होते हैं तब ये तो काटते ही हैं। आप इनको देते हो तब आप इनका नहीं काट सकते TDS, तो मतलब व्हेन दे आर पे यू कैन नॉट डिडक्ट देयर TDS, कॉमन सेंस है। ये बहुत बवाल है,
तुम प्रैक्टिसिंग सीए हो, तुम कौन हो? प्रैक्टिसिंग वाले। तो तुम जब क्लाइंट लोगों को सेवाएं देते हो तो वो तुम्हारा टीडीएस काटते हैं ना 194J में। तो देखो सपोज तुमने क्लाइंट का ऑडिट किया, ठीक है, ध्यान से, हु आर यू? यू आर अ प्रैक्टिसिंग सी। तुमने क्लाइंट का ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट किया, तुम्हारी ऑडिट फीस है 2 लाख रुपए। कितने की? 2 लाख रुपए। फीस पे GST ऐड होगा, 2 लाख रुपए पे 18% GST जोड़ो, 36,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 2,36,000। अब वो जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुमको पेमेंट करेगा 2,36,000। TDS काटेगा? TDS काटेगा। वो TDS 2 लाख पे काटेगा कि 2,36,000 पे काटेगा? रीड। रीड द ग्रीन कलर। अब मेरे को बताओ, तुम्हारा वो जो क्लाइंट है तुमको पेमेंट करते हुए 2 लाख पे TDS काटेगा कि 2,36,000 पे? 2 लाख पे काटेगा TDS। GST कॉम्पोनेंट पे TDS नहीं कटता। मैं अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता हूँ, ठीक है, माय रेंट इज़ वेरी हाई, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो रेंट के ऊपर 18% GST भी लगता है, तो सिर्फ रेंट पे TDS कटता है, रेंट प्लस GST पे TDS नहीं कटता, याद रखना, एक्सक्लूड GST। क्लियर है ये? कब कटेगा? सरकार को समय ही नहीं है, बोलता है दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए काट दो इसका। कोई दिक्कत है? लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सिर्फ पेमेंट के वक्त कटता है, जैसे सैलरी, सैलरी में कब कटता है? पेमेंट के वक्त। दिक्कत याद रहेगा? ये सब चीजें मैं पहले से बता रहा हूं ताकि अंदर जब जाओ तो आसान लगे, अंदर बहुत सारा डेटा है याद करने के लिए, तो पहले से थोड़ा पता रहे तो थोड़ा तो लाइफ इजी होगा। 3 नंबर, मोस्टली कमर्शियल पर्पसेस बट समटाइम्स पर्सनल पर्पस। मैं कॉरपोरेट एसएससी हूं, अगर मैं आपको पेमेंट करता हूं TDS नहीं काटूंगा तो क्या होगा मेरे साथ? इंटरेस्ट पेनल्टी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको पेमेंट किया, खर्चा किया, वो खर्चे का मुझको PGBP में सेक्शन 40 क्लॉज ए में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो तो 100% डिसअलाउड, रेजिडेंट हो तो 30% डिसअलाउड। सीन क्लियर है? ये डन हो गया ना ऑलरेडी यार, ये तो मैं उसमें पढ़ा दिया था। नीचे आओ, हो गया 10। टैन का फुल फॉर्म TDS TCS अकाउंट नंबर। नाउ लिसन टू मी, सपोज मेरा टैन है ये, टैन देखो तो जरा, टैन का जो सिंटैक्स है वो पैन से अलग होता है। पैन में शुरू में 5 अल्फाबेट होते हैं, यहाँ शुरू में 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर वहां पे पैन में 5 नंबर्स होते हैं, यहां पर 4 अल्फाबेट के बाद 5 नंबर्स है, 5 अल्फाबेट के बाद नहीं, 4 अल्फाबेट के बाद 5, वहां 4 नंबर होता है। पैन कैसा होता है? पैन ऐसा होता है ना, ऐसा था ना, 5 अल्फाबेट था फिर 4 नंबर, यहां उल्टा है, शुरू में 4 अल्फाबेट है फिर 5 नंबर, समझ गए, और लास्ट में तो 1 अल्फाबेट ही है, वो सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा सिंटैक्स अलग है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ यही 2 काम के होते थे, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरा पी होगा और अग्रवाल का ए। यहाँ पर ये पूरे ये शुरू के जो 4 हैं काम के हैं, पहला 3 जो होता है वो इंडिकेट करता है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कलकत्ता, तो मेरा जो LLP है ना, मेरे LLP के पैन में शुरू में कैल रहेगा, एरिया कलकत्ता, कैल, ठीक है,
ठीक है, क्या हुआ? अबे कोलकाता तो बाद में हुआ ना, इनकम टैक्स क्या कोलकाता बनने के बाद आया था कि कैलकाटा के टाइम पे आ गया था? हमारे देश में रिवाज है ना नाम चेंज करने का, तो महाराष्ट्र में जाके एक पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी है, MNS बोल कुछ जैसे नाम है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तुमने सुना होगा राज ठाकरे, उसके सामने पत्रकार अगर गलती से बॉम्बे बोल दे तो वो गरमा जाता, बोलता है मुंबई बोलो, ठीक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तो हुआ नहीं। एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, उनका नाम भी बॉम्बे डाइंग ही है, मुंबई डाइंग तो हुआ नहीं है। फिर तो जो नाम ब्रांड पहले से चला वो चल रहा है, तो ये तो पहले का बनाया हुआ है, आज का बनाया हुआ है क्या? तो कैल है बॉस, कैलकटा, कोल नहीं हुआ है। अच्छा एस क्या है? पैन में उनको अग्रवाल चाहिए था, यहां उनको सिद्धार्थ चाहिए। पैन में अग्रवाल का ये, यहां पर सिद्धार्थ का एस, इसीलिए कैल एस। फिर वो जो पांच है नंबर्स वो रैंडम होते हैं, 0 से 99 तक कुछ भी, और लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो भी रैंडम होता है, चेक डिजिट, ठीक है? तो इसमें शुरू के चार काम के होते हैं। टेन क्लियर है? एग्जाम में वो लोग पूछेंगे क्या कि पैन और टेन का स्ट्रक्चर समझाइए? सेक्शन नंबर 190। ओके, यहाँ से थोड़ा तगड़ा ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। अच्छा मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूँ कि दो सेक्शन जो अभी मैं पढ़ाऊंगा अच्छे हैं, अमेंडमेंट है, आ सकता है। अच्छे हैं अमेंडमेंट है, ये नहीं नीचे वाला, अच्छे हैं अमेंडमेंट है, आ सकता है, लेकिन ये असली ताकत नहीं है। असली ताकत अगले पेज से चालू हो रहा है, अगले पेज का यहां से स्टार्ट होता है, रियल TDS 192, TDS ऑन सैलरीज, ठीक है? पर मतलब चलेगा, पढ़ना एक बार अपने को शुरू में पूरा पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा है कि आई वॉन्ट टू टीच समथिंग टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं अभी जब ब्रेक के बाद स्टार्ट करूंगा तो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट विद 190 एंड 191, बिकॉज क्या ये दोनों हल्के हैं थोड़े, और इनको कराने गया ना तो फिर मेरे पास समय नहीं बचेगा कि मैं बड़े वाले में जा पाऊँ, और 192 बड़ा है, तुम पलट के देखो, चार पेज होगा शायद, सवा चार पेज है, तो आई वॉन्ट टू डू अ बिग वन नो, तो इसीलिए ये दो छोटके जो है ना बाद में कर लेंगे, पहले बड़के में जाएंगे, ठीक है? तो ब्रेक के बाद ये नहीं, पहले यहाँ से करेंगे। ओके ब्रेक कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक्चुअली ये मैंने बोला था ब्रेक के पहले कि ये दो सेक्शंस बाद में हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज चालू करते हैं एक बार, ठीक है? आज सेक्शन नंबर 192 TDS ऑन सैलरीज। बाकी जितने मैक्सिमम TDS के सेक्शन है ना वो 194 में सबसे ज्यादा है, 193 में थोड़ा बहुत है, और एक 192 का खाली एक लौता पीस है, क्या? सैलरी। सैलरी का सेक्शन नंबर TDS का 192 होता है, नंबर याद रखोगे। मैं शायद बताना भूल गया हूँ, TDS के अंदर जितने भी सेक्शन नंबर्स होते हैं उनका थोड़ा महत्व ज़्यादा है, याद रखना पड़ सकता है, ठीक है? नाउ इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ऑल द नंबर्स, बट एटलीस्ट मैं जो जो नंबर बोलूंगा वो नंबर याद करने हैं, थोड़े फेमस होते हैं, तो वो अभी नहीं बताऊंगा, जब अपना ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा प्रोग्रेस आ जाएगा, देन आई विल इन द मास्टर समरी चार्ट जो बुक के लास्ट में दो पेज का, उसमें मैं स्टार करा दूंगा कि ये सेक्शन नंबर थोड़े से याद रखने हैं, तो ये तो स्टार है यार, मतलब नंबर याद करोगे 192। अभी देखो एकदम सिंपल कहानी है, इतनी देर से बता रहा हूँ, ये एम्प्लॉयर है, ये जब एम्प्लॉई को, तुम लोग मार्क मत करना ठीक है, अभी मत करना, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉई को मंथली सैलरी देगा तो TDS काटेगा ना, लेकिन कितना काटेगा इसका कोई रेट तो है नहीं, तो सिंपल है वो अपने एम्प्लॉई का साल भर का जो पैकेज है और जो भी डिक्लेरेशन है कि ये 6 में रिडक्शन होगा, उसके आधार पे वो पूरा तितली कैलकुलेट करेगा, फिर डिवाइडेड बाई 12 हर महीने काटेगा, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सर्टिफिकेट जो TDS का काटने का है वो हर महीने देगा कि एक ही बार देगा? एक ही बार देगा, एनुअली, ठीक है? अगले साल के 15 जून तक
सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तो क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है। तो आपको कौन सा मिलेगा, फॉर्म 16 सैलरी में जो टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16, बाकी सब का फॉर्म 16 है। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, तुम एम्प्लॉई हो, एक तुमने एक तो तुमको एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया है, और दूसरा और एक तरीका है, तुम ट्रेसेस के वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे लॉग इन करके डाउनलोड करके देख सकते हो तुम्हारा कितना टीडीएस कटा है हर महीने, तो वो भी एक तरीका है। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग को ये टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 की जरूरत ही नहीं है, हम ट्रेसेस में जाके देख सकते हैं। अब मेरे को ही देखना है कि साल भर में मेरा कहाँ कहाँ टीडीएस कटा है, तो मुझे कोई 16 नहीं चाहिए, मैं सीधा जाऊँगा ट्रेसेस वाला जो है उसमें लॉग इन करके डाउनलोड कर लूँगा कि मेरा ये इन लोगों ने काटा है और क्यों काटा है, इनकम क्या, सब डिटेल में दिखेगा सेक्शन नंबर के साथ। इसके सेक्शन नंबर बड़े फेमस हैं, बड़े फेमस है सेक्शन नंबर इसके, ठीक है। एग्ज़ाम में भी थोड़ा फेमस है, रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, पर एग्ज़ाम में भी थोड़ा है। एग्ज़ाम में भी आपको मतलब सेक्शन नंबर से बात करना पड़ता है, मेरा कहाँ कटा, 194C में कटा है, 192 में कटा है, 194H में कटा है, 194J में कटा है, इस तरह से। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर थोड़े फेमस है, लोग सेक्शन नंबर से बात करते हैं, क्लियर है। तो वो एंड में आई विल गिव यू द स्टार मार्क, ये नंबर याद कर लो, तुम भी तब तक तो याद कर ही चुके होगे, इतना मैं बोल दूंगा क्लास में, ओके। आपका जो हर महीने टीडीएस कटता है बॉस कब जमा करता है, सर अगले महीने की 7 तारीख को। आपने जो जो क्लेम किया एग्जेम्पशन डिडक्शन उन सबका आपको प्रूफ जमा करना पड़ता है, तो वो शुरू में नहीं करना पड़ता, साल का जो एंड होता है ना मार्च महीना में जमा करना पड़ता है। तो ये बात मैं तुम लोग सबको बता देना चाहता हूँ, तुम लोग कभी भी नौकरी करोगे जब फ्यूचर में, मैं आर्टिकलशिप की बात नहीं कर रहा, उसमें तो पैसा ही नहीं मिलता, तुम बिलो टैक्सेबल लिमिट चले जाते हो, ठीक है। जब तुम प्रॉपर जॉब करने जाओगे तो हो सकता है कि इस तरह की बातें होंगी, तुम जिस शहर में भी तुमको जॉब मिलेगा वहाँ जाना पड़ेगा, कभी भी मना मत करना। जब करियर शुरू होता है ना हमारा, हम कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कंपनी आपको जॉब में इंटरव्यू के दौरान पूछेगा, आर यू विलिंग टू रीलोकेट, यस सर। हम लोग आपको चांद पे भेजेंगे, यस सर। कहीं भेजेंगे, यस सर। तो शुरू में कभी भी ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए, बी फ्लेक्सिबल। वो कहीं भी आपको शिफ्ट करना चाहेगा इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, बी रेडी फॉर दैट। आउटसाइड इंडिया जाओगे तो पैकेज बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, नहीं तो इन इंडिया में भी रीलोकेट करने के लिए रेडी रहना। दूसरी बात है, दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम काम करने किसी दूसरे शहर में जाओगे तो वहाँ पे तो घर नहीं है खुद का, तो रेंट पे लेना पड़ेगा, और क्या होता है ना कि उस टाइम पे पीजी नहीं चलता, मतलब वो जो सस्ते में 3-4 हज़ार के पीजी में रुक गए वैसा ज़िंदगी नहीं चलता। तो तुम वहाँ पे क्या होगा कि तुम लोग 3-4 दोस्त कोई जुगाड़ हो जाएंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, कि तुम जैसे इस कंपनी में जॉब करने आया, कोई किसी और में आया है, कोई किसी और में आया उसी शहर में, तो उस शहर में सपोज बहुत सारे लोग आए हैं जॉब करने, तो 3-4 जन का दोस्त में का गैंग मिला और एक फ्लैट ले लिया। और कहीं भी बाहर जब हम लोग फ्लैट वगैरह लेते हैं तो महंगा पड़ता है बहुत, ये सबको मालूम है, अपना घर होता है, और कहीं आप फ्लैट लेने जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है, अच्छा भी नहीं होता। तो जो भी है, सपोज उसका मंथली रेंट आएगा 30-40 हज़ार रुपये, तो वो तो सपोज 40 हज़ार रुपये रेंट है तो 4 लोगों में बढ़ गया 10-10 हज़ार रुपया हर एक जन देगा। अब वहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर है, दिक्कत होगी कि रेंट एग्रीमेंट तो एक के नाम पे बनेगा, 4 के नाम पे नहीं, रेंट स्लिप एक के नाम पे होगा, और वो रेंट एग्रीमेंट और रेंट स्लिप जमा करना पड़ता है फॉर क्लेमिंग द HRA एग्जेम्पशन या ATDG का एग्जेम्पशन। तो मैं तरीका तुमको बता देता हूँ, जो होता है वो ये, सबसे पहले तो तुमको थोड़ा सा लीडर बनना चाहिए, तुम खुद ही ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लो कि ठीक है मेरे नाम पे रहेगा तो हम तुम लोग से तुम लोग का 3 जन का शेयर ले लेंगे और हम ही उसको दे देंगे लैंडलॉर्ड का। तो नॉर्मली कोई लीडर बनने को तैयार नहीं होता, बिकॉज फिर उसको पूरा पूरा देना बाकी सबसे मांगता रहेगा, पर अगर तुम ये करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका और है कि पहले से ही मैं बता देता हूँ, पहले से ही स्टैम्प पेपर खरीद लेना, ठीक है। मतलब स्टैम्प पेपर्स बाद में बैकडेट के स्टैम्प पेपर अगर लोगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो पहले से स्टैम्प पेपर खरीद लेना उस एरिया का, जो स्टैम्प पेपर आता है जिसमें रेंट एग्रीमेंट होता है, मेक अ रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड एक ही रेंट एग्रीमेंट कॉपी बनाएगा, तुम लोग वैसा 3 कॉपी बना लेना अपने अपने नाम पे, जिसका जो नाम होगा वो हिसाब से अपना रेंट एग्रीमेंट का कॉपी बना लेगा, ठीक है, और रेंट स्लिप बना लेगा। लैपटॉप तुम्हारे हाथ में, बजाओ बजा, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट रेंट स्लिप निकालो और कंपनी में जमा कर दो। ये बस प्रूफ के तौर पे जमा करना पड़ता है, इसका कोई ऐसा लीगल वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। और इसमें एक्चुअली कोई धोखा वाली बात नहीं है, यू आर एक्चुअली पेइंग रेंट, और जिसका आपको डिडक्शन चाहिए, और HRA का एग्जेम्पशन बोलो चाहे डिडक्शन बोलो, अमाउंट तो बहुत कम होता है, अमाउंट तो ऐसा होता है कि 5 हज़ार पर मंथ से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, जबकि आपका लगता 10 हज़ार है। तो अब इनको प्रूफ तो चाहिएगा, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, बना के देंगे नकली और क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड का एक ही के साथ होगा, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये सब के लिए बस एक चीज़ करना पड़ता है, स्टैम्प पेपर 2-3 तो पहले से एक्स्ट्रा खरीद के रखना पड़ता है, जैसे कि वो भी उसका भी उपाय है दुनिया में हर चीज़ का है। 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर आता है सपोज़,
वो नॉर्मली 100 रुपये, 110-120 रुपये का आता है। लेकिन अगर तुम उनको बोलोगे कि हमको बैक डेट का चाहिए, सपोज तुम साल भर तक तो भूल गए, अब मार्च महीना में जब जमा करने का टाइम आया तब तुमको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, तो रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प पेपर चाहिए बैक डेट का, पिछले साल के अप्रैल महीने का, तो बैक डेट का भी स्टैम्प पेपर मिल जाता है, पर वो थोड़ा सा प्रीमियम पे मिलेगा। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 700-800 मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये होता है भाई प्रैक्टिकली, इसमें ऐसे सोचने की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है ना। मतलब तुम रेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हर महीने का इतना चाहिए ना रिडक्शन तुमको। ये समरी सेक्शन नंबर 192, ट्रांजैक्शन सैलरी, कोई लिमिट शिमिट है? नहीं सर, एनी अमाउंट, सैलरी कितने का भी हो, क्योंकि सर यहाँ तो फुल तितली कैलकुलेट होता है और फिर डिवाइड बाई हाईलाइट, अब हाईलाइट डिवाइड बाई 12, वो आपकी पूरी तितली निकालेगा फिर डिवाइड बाई 12 करके कर देगा। तो जब आपकी तितली निकालेगा तो आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या डिडक्शन लिस्ट 6A में लेना चाहते हो, क्या क्या एग्जेम्पशन, तो तुम सारा बता दोगे कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। जब ये मौका आएगा जिस दिन भी, उस दिन सैलरी चैप्टर रिवाइज करके चले जाना तो क्लियर रहेगा। सैलरी और डिडक्शन दो चैप्टर चाहिएगा तुमको, एक सैलरी चैप्टर चाहिएगा। सैलरी चैप्टर का उतना नौबत नहीं आता, द रीज़न इज़ कि कंपनियाँ क्या करती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देती है। कंपनी बोलती है कि हम आपको बेसिक कितना देंगे, सपोज मान लो कि तुम्हारा पैकेज अगर 9 लाख का है तो उसमें 4.5-5 लाख बेसिक रहेगा। अभी नया कानून आ गया, नया नियम आ गया कि सैलरी का कम से कम 50% अमाउंट बेसिक होना जरूरी है, कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। तो सपोज तुम्हारा पैकेज 9 लाख का है तो उसमें से 4.5 लाख तो मिनिमम तुम्हारा वो रहेगा बेसिक वेजेस, समझ लो बेसिक सैलरी बेसिक, और बाकी का 4.5 लाख में वो लोग बता देंगे ये अलाउंस है, ये परक्विजिट्स है। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो परक्विजिट्स कुछ होते नहीं, सारे अलाउंस ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो परक्विजिट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो अलाउंस में वो लोग तुमको बोल देंगे कि आप बता दो आपको क्या अलाउंस चाहिए, तो तुम थोड़ा थोड़ा बता दो, तुम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन HRA वगैरह वगैरह ऐसा, ठीक है। अब वहाँ पर तुम रहोगे सपोज कवारे, चिल्ड्रन एजुकेशन नो, वो सब मत करना, ठीक है। 2400 रुपये के लिए अपना स्टेटस मत भेज देना, ठीक। लास्ट वाला क्या है, कब कटेगा TDS? अर्लियर की पेमेंट के टाइम पे मंथली कटता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, पेमेंट बस। पॉइंट नंबर 2 बाद में, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है सर, प्रूफ ऑफ क्लेम। वो आपने जितना भी डिडक्शन एग्जेम्पशन जो भी आपने क्लेम करना है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा अपने बॉस को, तभी तो वो आपकी तितली कैलकुलेट करेगा। एम्प्लॉयर कैलकुलेट्स तितली ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको जो भी आपको क्लेम व्लेम करने हैं सब चीज़ जो भी है प्रूफ देना पड़ता है बॉस को, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ इन इंडिया द ओल्ड टैक्स रेजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट रेजीम, सो अगर आपको न्यू रेजीम में जाना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप अपने बॉस को बोल दोगे कि सर मैं न्यू रेजीम में जाऊँगा तो मेरा प्लीज़ न्यू रेजीम से निकालना, तब फिर आपका वो न्यू रेजीम से निकालेगा, ठीक है। तो आप बता दोगे तो वो न्यू रेजीम से कैलकुलेट करेगा न्यू रेजीम। या अरे ऐसा कोई नियम है क्या कि मेरे सारे एम्प्लॉई या तो ओल्ड करो या सारे एम्प्लॉई न्यू करो? नहीं, मेरा एक एम्प्लॉई बोलता है ओल्ड रेजिम, दूसरा बोलता है न्यू रेजिम, जिसको जो फायदेमंद है वो उसमें जाएगा। तो तुम अगर न्यू बोल दोगे तो फिर न्यू में निकाल देगा तुम्हारा, इसमें क्या है। न्यू रेजिम का सेक्शन बोलो 115 बैक 5 नंबर, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, ये तो पढ़ा है हमने। मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपको नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे रही है, सबसे बड़ा नॉन मॉनिटरी परक्विजिट क्या होता है, घर। घर मतलब RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आपकी कंपनी अगर आपको घर गाड़ी वगैरह दे रही है तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है। नॉन मॉनिटरी तो क्या हुआ, उसका हम परक्विजिट वैल्यू निकालेंगे। घर का परक्विजिट वैल्यू कितना होता है, 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी, BABCDM। सैलरी का मतलब RFA में क्या होता है, BABCDM। तो तुम्हारे घर जो मिला उसका परक्विजिट वैल्यू निकालोगे, गाड़ी जो मिली उसका परक्विजिट वैल्यू निकालोगे। गाड़ी का परक्विजिट वैल्यू याद है ना, 1800-2400 पर मंथ, ड्राइवर का 900 पर मंथ जोड़ के, याद है ना, वही सब वो तुम निकाल लोगे। तो अब बात ऐसी है कि घर या गाड़ी का एक परक्विजिट वैल्यू निकलेगा और आपके सैलरी में ऐड होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लो कि तुम्हारी कंपनी बोलती है कि आपके नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जितना टैक्स आ रहा है वो हम ही दे देंगे, तो वो लोग ही दे देंगे। तब वो जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट जो तुमको मिला तुम्हारा फायदा, अब उस पर टैक्स भी कौन दे रहा है, कंपनी। वो टैक्स
भी तो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हुआ, तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए कुछ भी करे वो इनकम हुआ कि नहीं, बट दैट टैक्स पोर्शन इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. एनी टैक्स ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पेड बाई द बॉस टू द एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फॉर द एम्प्लॉय, बट बेचारे एम्प्लॉयर के लिए वो डिसअलाउड है. एम्प्लॉयर के लिए वो एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है 40 क्लॉज में. मतलब मैं तुम्हारे लिए अगर टैक्स दे भी दूं नॉन मॉनिटरी तो मेरे को तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मेरे लिए डिसअलाउड है 40 क्लॉज ए में, और तुम्हारे हाथ में वो एग्जेम्प्टेड है. क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो, ये पहले क्लियर है कि नहीं है? ये तो वही है जो इतने बार हम लोग पढ़ चुके पहले भी, सैलरी चैप्टर में पढ़ाया था, पीजीबी चैप्टर में पढ़ाया था, और आज वापस से पढ़ा रहा हूँ, है ना. अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हारे नॉन मॉनिटरी परपोजिट जो मैंने तुमको दिया उस पर टैक्स भी मैं ही दे दूँ, तो उस टैक्स का पैसा वो तुम्हारे लिए तो इनकम है, पर तुम्हारे लिए वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, और मेरे को उसका डिसअलाउंस है 40 क्लॉज में, मैं उसका डिडक्शन नहीं ले सकता. अब सुनो, जो भी हो, मैंने वो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परपोजिट तुम्हारे नाम पे तुम्हारे पैन नंबर के अगेंस्ट जमा किया है. तुम तो जब अपना फाइनली टैक्स कंपटीशन करोगे तो तुम तो उसका क्रेडिट लोगे ना. इट इज़ अ टी डी एस, इट इज़ लाइक अ टी डी एस. सो जैसे टी डी एस का क्रेडिट तुमको मिलता है जब तुम अपना तितली निकालते हो टैक्स एविड्यू से टी डी एस माइनस करते हो तो तुम टी डी एस का क्रेडिट लेते हो, वैसे ये जो नॉन मॉनिटरी परपोजिट पर मैंने टैक्स तुम्हारे लिए दिया है इसका क्रेडिट भी तुम लोगे ही बाद में. तो तुम जब अपना तितली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी तितली में ऊपर घर की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू आएगी, ठीक है, पूरा टैक्स कैलकुलेट होगा, और फिर घर और गाड़ी पे जो टैक्स बॉस ने दिया है वो भी माइनस हो जाएगा, और टी डी एस बॉस जो काटा है वो भी माइनस हो जाएगा. द टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पेड बाई द एम्प्लॉयर शैल बी ट्रीटेड एज टी डी एस. तो तुम्हारे नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो मैं टैक्स दूंगा वो बिल्कुल टी डी एस जैसा है, तुम उसका क्रेडिट लोगे. ओके, कल को मान लो तुम्हारा नेट सॉल्व करके माइनस आ गया तब तुमको रिफंड मिल जाएगा. मैंने बोला ना टी डी एस आपके नाम पे अगर कोई भी इंसान टी डी एस जमा कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, तो आपको तो उसका क्रेडिट मिलेगा ही. बाद में जब आप अपना कैलकुलेशन करोगे अगर नेट माइनस में भी आ गया तो डरने का क्या, रिफंड आ जाएगा. सरकार खाने वाली नहीं है, सरकार रिफंड दे देगी. मतलब वो लोग खाते हैं और जगह पर यहाँ रिफंड दे देते हैं. साल के दौरान आपने जॉब चेंज किया है, हो सकता है मैंने 6 महीना किसी और के काम किया, 6 महीना किसी और काम किया, हो सकता है. तो पहले 6 महीने में टी डी एस वो काटा, अगले 6 महीने में टी डी एस ये काटेगा, पर अब पहले वाले ने तो साल भर का कैलकुलेशन के हिसाब से काटा था, अब ये वाला भी तो पैकेज चेंज हो गया, अब ये वाला तो रीकैलकुलेट करेगा कि नहीं. आई गिव यू फिगर्स. मेरी जॉब है, सपोज 50,000 रुपये पर मंथ की मेरी सैलरी थी, तो 6 महीने तक मैंने इनके यहाँ नौकरी किया 50,000 रुपये पर मंथ, तो ये लोग मेरा टी डी एस काटे 50,000 रुपये पर मंथ, मतलब साल का 6 लाख वैसे करके सॉल्व करके निकाल लिए. अब मेरे को नया जॉब मिल गया तो मैं शिफ्ट हो गया, नया जॉब में मेरा सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ, तो अब नया टैक्स कैलकुलेट होगा कि नहीं. तो तुम उसको डिटेल दोगे कि सर देखिए पहले 6 महीने में तो मैंने इतना इतना कमाया था, अब आपके यहाँ इतना इतना है, तो अब आप मेरा नया तितली कैलकुलेट करो और उस हिसाब से फिर टी डी एस काटो. सही है कि नहीं है? रिकैलकुलेट करना पड़ेगा ना, रिकैलकुलेट करके जितना कट गया कट गया, जितना आप कटेगा वैसे काटा जाएगा बैलेंस, ठीक है. टेन सेकेंड्स. 7 नंबर बहुत आसान है. क्लियर है सबको? एक बात बताओ, आई एम अ पार्टनर ऑफ दिस कोचिंग सेंटर LLP, आई गेट सैलरी, पर सच में मेरे लिए जो मुझे जो पार्टनर सैलरी मिलती है क्या वो सैलरी हेड में जाती है कि PGBP हेड में जाती है? तो मेरा LLP जब मेरे को सैलरी देता है तो क्या 192 में TDS काट के देता है? नहीं.
तुम लोगों में बोलूँगा ना, तुम लोग माथा पीट लोगे अपना। जब ये मेरा ये कोचिंग सेंटर LLP स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2016 के आसपास, ठीक है, तो समझ रहे हो साल दिसंबर 2016 और 17 वैसे। तो शुरू में हम लोग अपना ये जो टैक्स वगैरह काम है एक सी से कराते थे, ठीक है, CA से कराते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि LLP ने पार्टनर लोग को जो सैलरी दी उस पर उन्होंने TDS कटा दिया 192 में, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम लोग इतना धंधा चलाना है कि अकाउंट्स टैक्स देखेंगे, तो उनने तो पार्टनर सैलरी पे 192 पे TDS कटा कटा के जमा करा दिया हर महीने की मैंने, और रिटर्न फाइलिंग में भी दिखा दिया सैलरी है TDS वगैरह। मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया 4 साल बाद 2020 में, तब तक मेरा उनसे रिश्ता कट हो चुका था, बिकॉज बाद में हम लोग खुद करने लग गए थे, हम लोग छोड़ दिया था काम। 4 साल बाद जाके नोटिस आया कि बेटा वो 2016-17 में तुम्हारा जो कटा, तुमने जो कमाया उस पर तुमने एडवांस टैक्स नहीं दिया। हम लोग बोले पर हमारा तो TDS कटा, पर एडवांस टैक्स तो नहीं दिया ना। अब कायदे से मेरा TDS कटना था कि एडवांस टैक्स देना था। सरकार को पैसा मिला है पर उनको इस बात से भी चुल है कि वो पैसा क्या बोल के मिला है। पैसा तो गया ही सरकार को, बल्कि एडवांस टैक्स क्वार्टरली होता है, TDS तो मंथली होता है, ठीक है। और TDS इज मोर एक्यूरेट, एडवांस टैक्स तो एस्टिमेटेड पे होता है, TDS तो मोर एक्यूरेट होता है, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके। फिर भी उनको इस बात का भी चुल है कि तुम एडवांस टैक्स देना तो तुम TDS कैसे दिए। यू विल नॉट बिलीव इट, इतना चिट्ठी चपाटा हुआ, इतना मैंने रिप्लाई किया उनको, माने नहीं वो लोग, ठीक है। अब रोज रोज माथा पच्ची नहीं होता, आई पेड द टैक्स अगेन एंड क्लोज द फाइल, अगेन आई टू पे द टैक्स एंड क्लोज द फाइल। इतना झमेला होता है। एक तो इनका ऑनलाइन में एक और भी प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन सिस्टम्स में कोई है नहीं जिसको जाकर तुम समझाओ, सॉफ्टवेयर है उससे बहस कर लो बैठ के। ये जो नोटिसेज आती हैं, चिट्ठियां आती हैं, ये सारा AI जनरेटेड होता है, सब सॉफ्टवेयर जनरेटेड, और बाद में उसमें कोई जो AC होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, वैसे साइन करके दे देता है। तो उनको कुछ नहीं मालूम है, सब सॉफ्टवेयर से अपने आप निकल के चिट्ठी आया, अब तुम बैठ के जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, जवाब पे आप देते रहो, कुछ नहीं होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के घर में अंधेर है, देर है, क्या बोलते हैं वो, देर है अंधेर नहीं है, ऐसा है ना। इनके घर में देर भी है, अंधेर भी है, सब कुछ है इनके यहाँ, कोई जवाब कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, नो ऑप्शन। तो बड़ा सावधान रह के करना पड़ता है ये सब कर्म कांड, ओके, ठीक है। देखो शुभता तो है ही, तुम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है ये आदमी ज़्यादा कमाते हो तो दे दिया तो क्या हो गया, शुभता तो है ही यार, ठीक है। वो भी डबल दिया हुआ, बेबात का दिया हुआ, बिना गलती के दिया हुआ, तो ज़्यादा शुभता है। अब यहीं पर सोचो कोई अगर वो AO होता, थोड़ा सा बात को समझ लेता कि हाँ ठीक है ऐसे नहीं वैसे हो गया, एडजस्टमेंट का ख़त्म, तो क्लोज हो जाता बात। बल्कि मेरा एक्स्ट्रा ही आ रहा था, बल्कि मेरे केस में एक्स्ट्रा रिफंडेबल ही आ रहा था, ठीक है, बट कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसे इनके बारे में बोल दें, इनको बुरा लग गया, ठीक है। इधर आते हैं, ये क्लियर है ना, ओके। अब सैलरीज 192 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। डोंट लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी। एम्प्लॉय को सैलरी तो मिल ही रही है, साथ साथ उसकी अदर इनकम भी हो सकती कि नहीं, HP इनकम, PGBP इनकम, फलाना इनकम, धमाका इनकम। और ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय की जो अदर इनकम्स हो रही है, चाहे वो PGBP में हो, चाहे HP में हो, चाहे अदर सोर्सेज में हो, उस पर कुछ TDS भी कट रहा हो। आप चाहो तो, मतलब एम्प्लॉय चाहे तो अपने बॉस को आके सारा डिटेल दे देगा कि देखिए सर सैलरी के अलावा मेरी ये अदर इनकम्स होती हैं, उन पे इतना इतना TDS कटा है, और मेरा HP लॉस भी है, सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो HP लॉस भी है, तो प्लीज़ कंसिडर इट, ठीक है। नाउ आई विल कैलकुलेट योर तितली 2 times, फर्स्ट HP लॉस तो मैं हमेशा कंसिडर करूंगा, मैं 2 बार तुम्हारा तितली कैलकुलेट करूंगा, जो हायर आएगा उसके हिसाब से TDS कटेगा, ठीक है। पहली बार मैं तुम्हारा तितली कैलकुलेट करूंगा कंसिडरिंग द HP लॉस एंड कंसिडरिंग ऑल अदर इनकम्स एंड द TDS डिडक्टेड ऑन अदर इनकम्स, उसके बेसिस में तितली कैलकुलेट करूंगा। सेकेंड टाइम मैं तितली कैलकुलेट करूंगा कंसिडरिंग योर HP लॉस बट नॉट कंसिडरिंग एनी अदर इनकम और TDS, ठीक है।
समझो, पहले कंपटीशन में मैं सैलरी ले रहा हूँ, एचपी लॉस दे रहा हूँ, दूसरे में भी मैं सैलरी और एचपी लॉस तो लूंगा ही, पर एक में मैं अदर इनकम और टीडीएस लूंगा, दूसरे में मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तुम्हारी अदर इनकम्स भी है, पीजीबी, कैपिटल गेंस, आईएफओ, इसमें जिसके ऊपर तुम्हारा टीडीएस भी शायद कुछ कटा है, तो एक कैलकुलेशन में वो सारा अदर इनकम और टीडीएस लेके निकालेंगे, एक में वो सब छोड़ के निकालेंगे। दोनों में से जो हायर आएगा टैक्स लायबिलिटी, उसके हिसाब से डिवाइड बाई 12 करके तुम्हारा मंथली टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा कम कटेगा कि ज्यादा कटेगा? ज्यादा कटेगा। मैं हायर ऑफ द टू लेके काम करूंगा। आर यू ओके विद दिस? कोर्स देखो, एचपी मैं दो बार तितली कैलकुलेट करूंगा, एचपी लॉस तो मैं दोनों बार लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी अदर इनकम है उन पे जो टीडीएस है वो मैं सिर्फ एक में लूंगा, एक में नहीं लूंगा। अब सुनो, यहां से जब तुम ये भाषा पढ़ोगे ना तो हार्ड लगेगा, थोड़ा डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अगले पेज पे एक टीचर्स नोट बनाया है, वो बहुत सिंपल भाषा में है, उससे हो जाएगा। ठीक है, तुम यहां से ये ग्रे बॉक्स ये सब पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल तरीका, लुक एट द बोर्ड, टीचर्स नोट। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। वी हैव टू कैलकुलेट योर तितली ट्वाइस, पहली बार में मैं सैलरी और एचपी लॉस लूंगा, साथ साथ और क्या लूंगा, अदर इनकम और उनपे जो टीडीएस कट गया है, दूसरी बार में मैं सैलरी लूंगा और एचपी लॉस लूंगा, पर मैं अदर इनकम और टीडीएस नहीं लूंगा। ठीक है, दोनों में से जो भी हायर आएगा उसी के हिसाब से आपका पर मंथ टीडीएस काटेंगे। ठीक है, पहले वाले में मैं फुल निकालूंगा, सैलरी प्लस एचपी लॉस प्लस अदर इनकम, फिर जो उसमें टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा उसमें टीडीएस भी माइनस कर देंगे जो कटा है ऑलरेडी तुम्हारे अदर इनकम पे, क्योंकि जहां से भी तुमको अदर इनकम हो रही है कल को उसमें टीडीएस कट चुका तो मैं कंसिडर करूंगा ना, माइनस भी कर दूंगा बाद में जाके नीचे। और दूसरे वाले में सिर्फ सैलरी और एचपी लॉस देख के कैलकुलेट करोगे, दोनों में से जो हायर आएगा दैट्स योर आंसर। सही है, इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, उसका कारण क्या है, उसकी लैंग्वेज, इसीलिए मैंने उस लैंग्वेज को एकदम सिंप्लीफाई करके टीचर्स ने बनाया, उससे तुमको एक झटके में क्लियर हो जाएगा क्या करना है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात करें सर, कंप्यूट टैक्स शुड बी डिडक्टेड सोर्स ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोकुल लिमिटेड, सो दैट्स योर एम्प्लॉयर गोकुल लिमिटेड, Mr. Sachin working in Gokul Limited, he has furnished the following details to his employer. Sachin has not opted for new tax regime, मतलब old regime. Okay? अच्छा, tax calculation तो आता है ना अपने को, अभी सिखा दिया ना मैं chapter 9 पूरा, तो अब तो निकाल लोगे। ठीक है, okay, cool. अभी हड़बड़ी नहीं, पहले मेरे को देखो, बंदे की सैलरी कितनी है, बंदे का HP loss कितना है,
ठीक है, सबों को क्लियर है क्या ये? ठीक है, सुनो, सैलरी और एचपी लॉस तो दोनों जगह आएगा ना, ठीक है? अब ऊपर आ जाओ जरा, अब थोड़ा सा हाई फाई है, प्लीज ध्यान से बात करें। चार नंबर क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम बिजनेस। तुमको पता है ना, पीजीबी भी लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, इसको अदर इनकम के साथ भी यहाँ पर आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ऊपर अदर इनकम दिख रहा है, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है? इंटरेस्ट इनकम 60,000, जिस पे टीडीएस कटेगा 5,000, तो 55,000 मिलेगा। तो पीजीबीपी लॉस सैलरी के साथ तो सेट ऑफ नहीं होता, ये हम जानते हैं, पर क्या है कि इंटरेस्ट इनकम के साथ तो होता है। इन्होंने बोला यहाँ पर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम नहीं कर सकते, तो पीजीबी लॉस का सेट ऑफ अलाउड नहीं, केवल एचपी लॉस का सेट ऑफ अलाउड होता है। यहाँ पे जब तुम इस तरह का कैलकुलेशन करते हो, ना पीजीबी लॉस माइनस होगा और ना ही कैपिटल गेंस का लॉस, तुमको मालूम ही होता ही नहीं है, इंटरेस्ट में जाता ही नहीं है, केवल एचपी लॉस अलाउड है और किसी का लॉस अलाउड नहीं है। क्लियर है? ओनली एचपी लॉस इज अलाउड। आई वांट टू शो यू इधर, ये डब्बा देख रहे हो 14.7 पे बोला एचपी लॉस के अलावा आप कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते, वरना तो फिर हर एम्प्लॉई क्या करेगा, दुनिया भर के पीजीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस सब दिखा देगा और अल्टीमेटली बोलेगा देखो तो मेरा तो नेगेटिव आ रहा है, टीडीएस मत काटो। समझ रहे हो कि नहीं? एम्प्लॉई तो चाहेगा कि मेरा टीडीएस काटो ही मत, हम अपने आप देख लेंगे, तो वो तो दुनिया भर के नकली लॉस लेके आ जाएगा। इन्होंने केवल सैलरी के टाइम पे एचपी लॉस ही अलाउ किया, बाकी कोई लॉस नहीं। इनकम जो लाना है ले आओ, लॉस नहीं। इनकम जो लाना है, हरा रंग पढ़ो ऊपर, क्या लिखा है? अदर इनकम, अदर लॉस नहीं, अदर इनकम। ठीक है, इनकम जितना लाना लाओ ना, जो जो हेड में सब लेके आ जाओ, उसका टीडीएस भी ले आओ, पर लॉस में कौन सा? पॉइंट नंबर टू पढ़ो, लॉस अंडर द हेड आप चाहते हो कि बॉस आपका ज्यादा टीडीएस काटे, वो हो सकता है, कम टीडीएस नहीं कटा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों कैलकुलेशन में से हायर ही लेना है। तो बॉस आपका ज्यादा टीडीएस कटा सकता है कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम चलो ज्यादा कटा लो, पर कम नहीं हो सकता। तो एचपी लॉस छोड़ के कोई और अलाउड नहीं है, सिर्फ एचपी लॉस अलाउड है, वो हर कैलकुलेशन में आएगा, दो कैलकुलेशन दोनों में आएगा, सिर्फ एचपी। इनकम हर तरह का अलाउड है। देखो ऊपर में पॉइंट नंबर ए में कहीं भी हेड वर्ड है हेड, अदर इनकम का मतलब आईएफओएस इनकम नहीं, उसका अदर सोर्सेज होता है, अदर सोर्स होता है, ये अदर इनकम है। अदर इनकम किसी भी हेड में हो सकता है, पीजीपी पे कैपिटल गेन, ये फलाने का सब में, ठीक है, लेकिन लॉस खाली कौन से हेड का? एचपी ओनली। क्लियर है सीन ये? तो अब सुनो इधर, ये पीजीपी लॉस का क्या होगा सर? अगर आपको पीजीबी लॉस करना है तो साल के एंड में आप अपना असेसमेंट करके अलग से कैलकुलेट करके जमा कर देना, एक्स्ट्रा टीडीएस कटा होगा तो रिफंड आ जाएगा, पर अभी शुरू में कम नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है ना, लॉसेस एचपी, अगर आपके पास पीजी भी लॉसेस वगैरह हैं तो आप कोई बात नहीं, साल खत्म हो तो अपना फिर से फ्रेश कैलकुलेट करना, जमा करना, टीडीएस का रिफंड भी आता है उसमें, क्या है। पर अभी आपको पीजीबी लॉस अलाउ नहीं करें, केवल एक ही हेड का लॉस अलाउड है, वो कौन हेड, एचपी लॉस, वो दोनों तरफ आ गया। अब पढ़ो तीन नंबर, तीन नंबर क्या है, दो नंबर, दो नंबर क्या है, इंटरेस्ट इनकम कितना है, 60,000, और उसका टीडीएस भी 5,000, तो मतलब हाथ में 55,000 ही आया होगा। तो ऊपर इनकम में 60,000 ऐड होगा और नीचे लास्ट स्टेप में जाके टैक्स लायबिलिटी के टाइम पे 5,000 टीडीएस माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, ये जो बना है सही है। अब तो इजी है, अब हो गया, अब इजी, अब तो कैलकुलेट करना है, चलो कर देते हैं। कितना होगा ये, 6,55,000, 6,55,000 पे तबला बजाओ, छः लाख पचपन हजार, 1,55,000 इंटू 30% प्लस 12,500, सॉरी 20%, 1,55,000 पे 20% प्लस 12,500 कितना, 23, 23, 43,500 होना चाहिए, 1,55,000 है, सिर्फ 55 नहीं है ना, 6,55,000 है, तो 5 लाख के ऊपर 1,55,000, 1,55,000 का 20% प्लस 12,500 कितना, 43,500, और उस पर 4% सेस बोलो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 45,240। नेट कितना आ रही है, ठीक है, दूसरे केस में टोटल इनकम इज 5,95,000। अब इसमें निकालो 95,000 का 20%, 19,000 होता है, 19 प्लस 12,500, 31,500, उस पर 4% सेस 1,260 जोड़ के 32,760, 32,760, दोनों किस में से हायर किस में आ रहा है, तो अदर इनकम को लेने से बल्कि ज़्यादा ही आ रहा है, तो यही आंसर है, अदर इनकम को लेने से तो ज्यादा आ रहा है। तो साल भर का 4,240 डिवाइडेड बाय 12 करो, तो इतना हर महीने आपका टीडीएस कटेगा, डन है ना। अदर इनकम को लेने से इन्होंने बोला कि देखिए, अदर इनकम को लेने से अगर आपका टीडीएस बढ़ रहा है तब तो ठीक है, कम हो रहा है तो फिर नहीं लेंगे, इसीलिए दोनों में से जो हायर आता है वही लेते हैं। तो हमारे केस में तो हायर आया अदर इनकम को लेने के बाद, तो इसलिए वही लिया जाएगा। पर अब मान लो कि अगर ये लो होता वो हाई होता तो उसको लेते फिर हम, ठीक है। इन्होंने बोला आप अपने बॉस को बोल के टीडीएस बढ़वा सकते हो, कम नहीं करा सकते। और लॉस कौन सा खाली अलाउ करेंगे अभी, एचपी लॉस, बाकी कोई लॉस है तो फिर वो अगले साल बैठ के क्लेम करते रहना, रिफंड ले लेना, ठीक है, जाने की नहीं है। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, सीन क्लियर। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पर आज स्टॉप करूँगा एक बार, ठीक है, सुनो, ये हो गया ना कंप्लीट। कल क्या करेंगे एक बार ध्यान से सुनना, कल पहले आते ही मैं 190 पढ़ाऊँगा, हल्का है, 191 पढ़ाऊँगा, अच्छा है, अमेंडमेंट है नीचे इसमें, फिर 191 में जो अमेंडमेंट है वो वापस से रिपीट है 192 1C में,
क्वेश्चन टू के बाद देखो क्या है, 192 का 1C, वो वही अमेंडमेंट है, सेम है। तो सेक्शन 191 और 192 का 1C में सेम अमेंडमेंट है, ये करेंगे और फिर इसके ऊपर ये सम्स है धाकड़। क्वेश्चन नंबर टू ईसॉप वाला अमेंडमेंट है, ठीक है, ये करेंगे। ओके, तो कल 190, 191, फिर 192 का बचा हुआ पोर्शन सम्स, एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? खत्म होता है आज की क्लास, यहाँ खत्म होती है। थैंक यू।